अभी जिस तरह कहा गया मेरा नाम फौजिया वकार है, और जो चीज इसमें शायद उभर के नहीं आई इंट्रोडक्शन में या कई दफा स्किप हो जाती है, मैं गवर्नमेंट के साथ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन में 5.5 साल चेयरपर्सन थी, और वो पहली चेयरपर्सन होने के नाते, चेयरपर्सन का काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होता है वहां पे, तो पहली चेयरपर्सन होने के नाते बहुत सारा काम हरासमेंट के ऊपर और वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के ऊपर हुआ, कानून से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक, इंक्लूडिंग वेज ऑफ रिपोर्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप क्लोज हुकूमत में रह के सीखी हैं, उसका ये फायदा है कि मुझे कुछ समझ में आती है कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या होते हैं, डायनामिक्स क्या होते हैं, और कभी कभी हाउ डू थिंग्स प्ले आउट। सिमिलरली पिछले तकरीबन 20 सालों से मैं काम कर रही हूँ वेमेन्स इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान में भी और इससे पहले कनाडा में भी, जिसमें और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही, और वहाँ पे भी सिविल सोसाइटी में भी और हुकूमत में भी, जिससे मुझे अगेन दुनिया में भी जो क्या हो रहा है ख्वातीन के साथ या ख्वातीन की बेहतरी के लिए, वो उन चीज़ों का काफ़ी एक्सपोजर रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज के लेक्चर में या आज के हमारा जो सेशन है उसमें एक आपको कंप्लीट पिक्चर दूँ, ताकि ये एक बिल्कुल एकेडमिक लेक्चर ना बन जाए बल्कि एक एक्सपीरियंशियल चीज़ हो, एक एक्सपीरियंशियल सेशन हो, और हमें उससे कुछ समझ में आए। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो काइंडली हाथ रेज कर दें, कमेंट लिख दें, ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं, बिकॉज मकसद ये है कि बजाय बहुत सारा कुछ कवर करने के, जो कवर कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। तो इसके साथ शुरू करते हैं। आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है, इसमें मैं हमेशा ओपन इससे करती हूँ कि ये नो हरासमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, इसके जुबानी है, इट इज अबाउट नोइंग हरासमेंट एज इन यू नीड टू हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हरासमेंट। काइंडली पार्टिसिपेंट्स अपने माइक अगर ऑफ कर दें तो फिर वो डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। थैंक यू। सो सॉरी सॉरी नहीं, नो वरीज। इसमें ये है कि यू हैव एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज पब्लिक ऑफिशियल्स, यू हैव अ ड्यूटी टू नो वॉट इज हरासमेंट एंड देन अ ड्यूटी टू प्रिवेंट इट, अदरवाइज यू बिकम कम्प्लिसिट, यानी कि आप उसमें एक जुर्म में शामिल हो जाते हैं अगर आप उसको प्रिवेंट नहीं करते तो। चाहे अगर लीगली ना भी हो तो मॉरली तो यकीनन कम्प्लिसिटी जो होती है वो जुर्म में शामिल होने की, इट्स टैंटमाउंट टू ज्वाइनिंग अ क्राइम। सिमिलरली जो दरमियान में एन ओ नो लिखा हुआ है, नो हरासमेंट, इसका मतलब ये है कि हरासमेंट किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो औरत की हो या आदमी की हो, क्योंकि हर इंसान को एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं दिया जाता तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ देयर डिग्निटी। दिस ट्रेनिंग और दिस सेशन दैट इज हैपनिंग टुडे, इट इज़ प्राइमरली ऑन द लॉ, ताकि हम लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए बात करें, ना कि मेरी राय और आपकी राय पे डिपेंड करें। जो हमें कानून कहता है, जिसका इतलाक हमारी जिम्मेदारी है, हम फोकस उस पर कर रहे हैं टोटली। वी विल वेर एवर वी आर स्टेपिंग आउटसाइड द बाउंड ऑफ द लॉ, वी आर ओनली पुलिंग इन एग्जाम्पल्स जो कि पूरी दुनिया से या पाकिस्तान से आ रही हैं, और वो एग्जाम्पल्स भी जो रिकॉर्डेड हैं या जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की और बाकी जो सुपीरियर जुडिशरी की जजमेंट्स हैं। सो इट इज प्योरली विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड देयरफॉर नॉट बेस्ड ऑन माई ओपिनियन। आज की जो सेशन का मेरे ख्याल से स्लोगन होना चाहिए, और ये बिल्कुल मैंने नहीं लिखा, ये किसी और का था, मैंने बोरो किया है, कि हरासमेंट एट द वर्क प्लेस की जो आज कॉन्वर्सेशन है वो अहमियत रखती है बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज अबाउट चेंजिंग द कल्चर, इट इज वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम। आज की जो मैं आपके साथ डिस्कशन देख रही हूँ या सेशन देख रही हूँ, वो एक कॉन्वर्सेशन है जो कि कल्चर की, मुआशरे की तब्दीली में एक कदम है, और आपको पता है कि द जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स माइल्स बिगिंस विद वन स्टेप, यू नो। तो इंशाल्लाह ये आज की डिस्कशन विल बी दैट वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम विच लीड्स टू चेंजिंग द एंटायर कल्चर ऑफ हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, चाहे वो खवातीन की हो या मर्दों की हो। इसके साथ ही हम आ जाते हैं थोड़ा सा खोलने के लिए कि हरासमेंट हम किस चीज को कह रहे हैं।
और मैं अगेन रिमाइंड करूं कि ये कानून की डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो हरासमेंट एट द वर्क प्लेस की बात हो रही है, वो कानून कहता है कि वो कोई भी ऐसा अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस है या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स और अदर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन है, या फिजिकल कॉन्डक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर है, या सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड्स हैं। तो प्लीज अगर इस पे आप 30 सेकंड के लिए गौर करें, तो पहली बात तो इस पे रुक ही जाए ना बिल्कुल, कि ये अनवेलकम है, दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है। देयरफॉर एंड वी नो एज एडल्ट्स, वी नो व्हेन समबडी डज नॉट लाइक समथिंग। हमारी किसी चीज, कोई चीज बच्चे को भी गरां गुजरती है तो वो अपना डिसप्लेजर जाहिर कर देता है, एक एडल्ट को गरां गुजरती है तो वो शायद बच्चे की तरह बहुत ज्यादा लाउडली तो अपना डिसप्लेजर नहीं डिस्प्ले करते, मगर उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके अल्फाज से कई दफा हमें पता चल जाता है कि हमारी ये चीज दूसरे की तबीयत पर गरां गुजरी और हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो अनवेलकम हो गया। किस तरीके से सेक्सुअल एडवांस, यू नो, आप कोई उनकी तरफ चाहे फिजिकल हरकत करें या वर्बल कोई हरकत करें जिसमें कि कोई रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो। अब हम बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं सेक्सुअल के लफ्ज के ऊपर, तो ये आप लोगों में से जो जिनके साथ सामने गुजरा हो, अभी जस्टिस मुशीर आलम साहब की एक जजमेंट आई थी वेरी रिसेंटली इसी महीने ऑन हरासमेंट एट द वर्क प्लेस लॉ, और वो बल्कि कुछ अपसेट थे एक्सक्यूज मी कि कानून लिमिटेड है इन इट्स एप्लीकेशन, और कानून को हर जगह सेक्सुअल के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जेंडर के साथ जुड़ी भी होती हैं, उसके उसका सेक्सुअल के साथ ताल्लुक होता है मगर वो ओवर्टली सेक्सुअल नहीं होती हैं। उनके हिसाब से सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड्स भी जो हैं वो कई दफा समझा जाता है कि जिसमें आप सिर्फ एक दूसरे के साथ कोई नाजेबा चीज सोच रहे हो सेक्सुअली, वही इन्वॉल्व होती है। जबकि उनके जजमेंट में ये है कि एनीथिंग इज दैट इज एसोसिएटेड विद जेंडर, फॉर एग्जाम्पल अगर औरतों को स्टेरियोटाइप किया जाए, उनके खिलाफ बातें किए जाएं एज अ जेंडर, यू नो कि औरतें तो बहुत ही बुरी ड्राइवर्स हैं, औरतों को और काम क्या है बजाय सिवाय किचन में होने के, खाना पकाने के और प्रेग्नेंट होने के, औरतों का और काम क्या है सिवाय मर्दों को खुश करने के, ये तो उनका रोल है। तो इस टाइप के जो सेक्सुअली जो डिमीनिंग एटीट्यूड है वो लगेगा नहीं कि वो सेक्सुअल हैं, मगर वो भी उनके हिसाब से ज्यादा क्लियरली लिखे जाने चाहिए। तो वो इस कानून को भी, मुशीर आलम साहब जो 3 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको ये कानून भी लिमिटेड नजर आता है और उनके नजदीक सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक काफी परवेसिव बहुत वाइड फिनोमिनन है और इसको अच्छी तरह से डील करने के लिए जो उनके अल्फाज में जो कानून है वो ब्लिंकर्ड है, उसके इर्द गिर्द वो लगे हुए हैं, खोपे लगे हुए हैं जैसे कहते हैं, और उसको ज्यादा मौसर बनाने की जरूरत है ताकि जो खवातीन, वो ही टॉक्ट अबाउट मेनली हरासमेंट ऑफ वुमेन, तो खवातीन को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है काम पे, वो अच्छी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट के तहत पूरे होने चाहिए या डील होने चाहिए। एनीवे तो अगर डेफिनेशन पे जाएं तो उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, तो एक तो पहली बात है अनवेलकम है, दूसरा सेक्सुअल एडवांस है, रिक्वेस्ट फॉर फेवर है, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन है, फिजिकल कॉन्डक्ट है यानी कि किसी को छू लेना या किसी के बहुत करीब आके खड़ा खड़ा होना, पर्सनल स्पेस को वायलेट करना, वो सब चीजें इसके जिम्मे में आती हैं, और या एटीट्यूड्स भी जो कि सेक्सुअली डिमीनिंग हों वो हरासमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा डेफिनेशन में ये आता है कि जो अनवेलकम एडवांस है या कॉन्डक्ट है, इट कॉजेज इंटरफेरेंस विद वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो काम हो रहा है, जो काम लोग कर रहे हैं उसके उसमें वो इंटरफेयर करता है। कैसे करता है इंटरफेयर? पहली बात तो ये है कि एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना दिया जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है, इंटिमिडेटिंग थ्रेटनिंग बना दिया जाता है, ऑफेंसिव बना दिया जाता है, यानी कि एक का समाजी बायकॉट हो जाता है अक्सर,
लोग मिल जाते हैं, अक्सर ये होता है कि इसमें एक रिलेशनशिप ऑफ पावर भी होती है। एक बंदा यूजुअली एक ज्यादा पावरफुल पोजिशन में होता है इन रिलेशन टू द पर्सन हु इज लेस पावरफुल और या जो जिसकी हरासमेंट हो रही है, और वो जो पावरफुल पर्सन है दे आर एबल टू अमास सपोर्ट, वो फिर बाकी लोगों को बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजिशन बाकी लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि इसका बॉयकॉट कर दो, इसके साथ बात ना करो। तो नतीजे में एक ऑफेंसिव सी वर्क एनवायरनमेंट जिसको हरासमेंट के कानून में दुनिया में भी पॉइजन्ड वर्क एनवायरनमेंट कहा जाता है, यानी कि जहरीली वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे आपसे बिल्कुल काम ही ना हो सके, आप जाएं तो आपको लगे हर कोई मेरे खिलाफ है। तो वो एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, और एक अटेम्प्ट होता है उसके अंदर टू पनिश द कंप्लेनेंट। जब वो रिफ्यूज करते हैं, जब व्हेन द अक्यूज्ड इज हरासिंग द कंप्लेनेंट और द विक्टिम, तो नेचुरली आगे से वो बिकॉज इट इज अनवेलकम तो आगे से रिफ्यूजल आता है, मुख्तलिफ तरीकों से रिफ्यूजल आता है। जब रिफ्यूजल आता है तो देन द पर्सन इन दैट पोजिशन और द पर्सन हु इज अक्यूज्ड, वो हमेशा रिफ्यूज करने पे पनिश करने की कोशिश करते हैं। वो पनिश करने की कोशिश बहुत मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर आपके नज़र से भी गुजरा होगा। ये ना भी सेक्सुअल हो तो आपको पता है कि जब कभी बॉस कई होते हैं उनकी बात ना मानी जाए तो वो किस तरह से तंग करते हैं, किस तरह लोगों को अपने साथ में ला लेते हैं। और जब सेक्सुअल हरासमेंट हो तो फिर तो वुमेन वर्सेस मैन टाइप का एक इशू हो जाता है जिसमें सारे मर्द थ्रेटन्ड फील करते हैं कि अगर हमने इस केस में साथ दिया तो कल को हमारी चीज़ें मिस इंटरप्रेट होकर हरासमेंट के जिम्मे में ना आ जाएं, तो बेहतर है कि इस मसले को जड़ से ही निकाल दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, जड़ पे ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि आगे ये आगे कोई और केस ना बने। तो इसमें एक एडेड कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे कहते हैं। कई दफ़ा जो हरासमेंट है कानून के तहत इट कैन बी मेड अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। मिसाल के तौर पे अगर एक, और मैं कई दफ़ा ये मिसाल देती हूँ कि एक रिसेप्शनिस्ट रखी गई है एक पब्लिक कंपनी में या एक प्राइवेट कंपनी में, तो उसको कहा जाता है कि तुमने शाम को बॉस के साथ खाने पे भी जाना होगा, ये कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की, या क्लाइंट्स के साथ खाने पे भी जाना होगा, ये कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर की। और आप देखेंगे कि जो अगर मेल उस पोजिशन में हो तो उसको कभी उस खाने पर साथ नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि वो समझा जाता है कि वो तो बहुत जूनियर है, उसको तो वो तो माहौल ख़राब ही करेगा या कॉन्वर्सेशन में अननेसेसरली इंटरफेयर करेगा या बहुत लिफ्ट ले जाएगा जैसे कहते हैं। तो इट इज़ नॉट कि वो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, एक काम के लिए ज़रूरी है, बट उस औरत को फिर अगर लेके जाया जाता है तो एज अ शो पीस लेके जाया जाता है क्लाइंट को विजुअली खुश करने के लिए और कई दफ़ा उससे आगे भी। तो अगर ये कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट बनाया जाए तो तब भी वो हरासमेंट। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये आज का जो सेशन है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एज पब्लिक ऑफिशियल्स, आप प्रोफेशनल प्रोफेसर्स हैं इन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस, वहाँ तो अप्लाई, वहाँ भी अप्लाई होगा। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जहाँ पे आप अगर किसी और जगह जाके काम करते हैं या करती हैं, वहाँ पे जैसे मैं प्राइवेट कंपनीज की बात कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, वो ज़रूर होगा। फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स होंगी कई फीमेल्स या मेल्स, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो प्लीज़ कीप दीज ऑल डेफिनेशन इन माइंड कि ये कौन कौन से हालात में अप्लाई होता है। हरासमेंट एट द वर्क प्लेस की एक छोटी सी वीडियो है जो पंजाब हुकूमत ने जब नहीं बनाई थी, जो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ उसकी, जब व्हेन आई वाज देयर तो हमने ये बनाई थी ताकि इसके बारे में आगाही भी हो और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में मददगार भी पैदा किए जाएँ। तो छोटी सी वीडियो है बिल्कुल एक मिनट की के जो आपको भी डेफिनेशन आपके साथ शेयर की गई कानून की वो काफ़ी क्लैरिफाई होती है। इसमें चंद एक चीज़ें हो रही हैं। अब ये एज एन एम्प्लॉई वो आई है, वो काम लेके आई है, द बॉस स्माइल्ड एट हर कि मतलब काम अच्छा है, वो भी उसका भी फिजिकल डिमीनर, शी वाज हैप्पी कि काम अच्छा है उसकी हो रही है, वो कोई नाराज नहीं खड़ी हुई थी, उसने भी स्माइल उसको किया बॉस के आगे। फिर जब उसने इंक्रीमेंट लेटर उसके आगे रखा बॉस के आगे तो उसने साइड पे कर दिया और उसको एक अजीब सी स्माइल दी और फिर बाद में जाके कहा कि कॉफ़ी एट वॉट एवर टाइम उस पर मुझे ज्वाइन करो। सो आप देख रहे हैं कि ये ना ये क्लियरली
एक नाजेबा बात है कि जब पर्सनल ग्रोथ की बात आई है तो वो वहाँ पे उसको कॉफी के लिए बुला लिया गया है, और वो क्लियरली आपको फिर नेक्स्ट उसमें फ्रेम में परेशान नजर आ रही है. सो इट इज अनवेलकम, इट इज अ सेक्सुअल एडवांस, बिकॉज आप किसी को कहेंगे जी आके मेरे साथ शाम को जाओ, तो इन आर कल्चर जनरली जनरली इट इज, जहाँ पे दोनों की आमादगी ना हो, इट इज एन अनवेलकम एंड एन इनअप्रोप्रिएट एडवांस. और फिर उसके बाद जो एंड में जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अहम मैसेज है वो ये है कि जो साथ के कॉलीग्स थे वो भी पहुंच गए और उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, अगर आपने कॉफी पीनी है तो या चाय पीनी है तो हमारे साथ भी पिए, मतलब इट शुड नॉट बी बाय वर्च्यू ऑफ द जेंडर, उसके उसका ताल्लुक औरत या मर्द होने के साथ नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए. आप सबके साथ पिए, साथ शाम को जाके खाना खाएं अपनी टीम के साथ, कोई हर्ज नहीं है. तो ये जो है मैसेज आई थिंक बड़ा जरूरी है, और हुकूमत इसके पीछे फुली खड़ी है. और जो हेल्पलाइन है, जो 1043 की बात हुई है, वो आप देखते हैं कि वो हेल्पलाइन मौजूद है टू रिपोर्ट हरासमेंट, मगर आगे हरासमेंट से डील करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिस ऑफ द ऑम्बड्स पर्सन भी मौजूद है. खैर उस पर आगे जाएंगे. एक ये जो स्लाइड कह रही है कि हरासमेंट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है, नेचुरली आप लोग तो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हर जगह पे है हरासमेंट, हर तरफ है. और इसका इसके दो आई गेस लेयर्स जिनको आप अंग्रेजी में कहते हैं वो हैं, एक तो ये है कि पूरी दुनिया में ये होती है हरासमेंट, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, हर जगह होती है, और सिर्फ पसमानदा ममालिक में नहीं होती, बट वेर एज इट हैपन्स इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो एंड समटाइम्स अ लॉट इन द डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज वेमेन आर वर्किंग ओवर देयर, ज्यादा औरतें निकल के आई हुई हैं, उनको बड़ा एक जहाँ पे अब कम भी है उनको भी एक बड़ी जर्नी से गुजरना पड़ा है, जिसमें कि हरासमेंट वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे. तो हर जगह होती है. सॉरी, दूसरी बात ये है कि एक्सक्यूज मी, दूसरी बात यह है कि हरासमेंट सिर्फ काम की जगह पे नहीं होती, नॉट ओनली एट द वर्क प्लेस, ये पब्लिक प्लेसेस में भी होती है, पब्लिक स्पेसेस में भी होती है, ये काम की जगह पे भी होती है, ये इन पर्सन भी होती है, और साइबर भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं इसके. आप ये देखते पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एक सर्वे के मुताबिक लाहौर में 82% ने हरासमेंट रिपोर्ट की, ये पब्लिक वो देखा, या टच करने की कोशिश बहुत, क्योंकि रश का टाइम होता है स्पेशली, तो इट्स इजियर, लोग पैक होते हैं तो बहुत टच करने की कोशिश की जाती है, एंड समटाइम्स इवन वर्स वेज. सो 82% वेमेन रिपोर्टेड हरासमेंट ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एक और सर्वे जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का 1 लाख लोगों पे हुआ, उसमें तकरीबन 80% औरतों ने भी यही रिपोर्ट किया कि हरासमेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें फेस हुई है. फिर जो वर्क प्लेस हरासमेंट है, इसके अदादो शुमार इकट्ठे करने की कोशिश की मैंने, तो आई फाइंड के इसके अदादो शुमार नहीं है हमारे पास, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये अभी भी हमारे मुल्क में, बावजूद इसके कि कानून को भी पास हुए 11 साल हो गए हैं, हमारे मुल्क में इसकी रिकग्निशन उस तरह से नहीं है, इसको मेजर नहीं किया जाता सही तरीके से, इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता. मेजर करने से ज्यादा अहम बात यह कि इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साथ अभी भी अभी हम यू नो 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में खड़े हुए हैं, मगर देर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद हरासमेंट. जब कोई फीमेल ट्रांस इसको रिपोर्ट करने की कोशिश करती है तो ब्लेम द विक्टम फॉरन शुरू हो जाता है. यू हैव मस्ट हैव सीन, मैंने भी देखा है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी, जब मेरे पास कंप्लेंट्स भी आई हैं तो तब भी मैंने देखा है कि जो कॉलीग्स हैं उनका पहले रवैया ये होता है कि ये गलती लड़की की ही होगी, और वो गलती बहुत सीरियस मामले पे जाके ठहरती है, इस तरह से कि वो इट इज रियली डेट्रीमेंटल टू वेमेन, बिकॉज कहा यह जाता है, पहली बात कई जगहों पे ये कहा जाता है, ये घर से निकली ही क्यों थी. और इस तरह की बातें कई पब्लिक फिगर्स जो कि हुकूमत में भी रह चुके हैं,
जिस तरह ओरिया मकबूल जान साहब आपके बहुत एक बड़े पब्लिक फिगर हैं, उनका भी यही स्टांस है कि औरत को घर से निकलना ही नहीं चाहिए काम के लिए, इट इज़ नॉट हर जॉब टू गेट आउट। इट्स आप सबको मालूम है, आप आज के लेक्चर में ख़वातीन भी होंगी, मर्द भी होंगे, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस एनी मोर। पहली बात तो ये आपका हक है, मतलब इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी वुमन एंड मैन टू वर्क, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। दूसरी बात ये है कि ये इकोनॉमिक नेसेसिटी भी होती है। बहुत सारे लोग नहीं अमीर होते, बहुत सारे लोग हुकूमतों में सेक्रेटरी के लेवल पे नहीं होते, जिनको घर भी मिले हुए होते हैं और गाड़ियाँ भी मिली होती हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालना होता है, स्कूल कितने महंगे हैं बच्चों के लिए, खाना कितना महंगा हो गया है, जब तक दो लोग काम नहीं करते तब तक गुजारा नहीं होता। तो औरतों का काम पे जाना अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फंडामेंटल राइट एक नेसेसिटी भी है। और ये अगर कहना कि जी उसको घर से ही नहीं निकलना चाहिए, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। दूसरी बात ये है कि स्टिग्मा इस तरह से कहा जाता है कि जी अगर निकल के आई है तो ये, या इसके खिलाफ हरासमेंट हुई है तो ये यकीनन इसका अपना ही कसूर होगा, इसने पहले कुछ किया होगा, पहले बॉस को खुश करने की कोशिश की होगी या किसी को, तो उसके बाद जब ये नहीं, मतलब मामला आगे चला तो उसने हरासमेंट रिपोर्ट कर दी, तो ये एक और प्रॉब्लम है। एक और बहुत ज़्यादा सीरियस मेरे नज़र में जो एक रिमार्क आया एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के खिलाफ, 7-8 बच्चियां थी जिनको ऑफिस असिस्टेंट डेली वेजेस पे हायर किया गया, उनको सीरियसली हरास किया जा रहा था बाय अ पब्लिक फिगर, बाय अ सीनियर ऑफिसर, वेरी सीनियर हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, सो नॉट एन एजुकेशन डिपार्टमेंट, अनदर गवर्नमेंट। तो खैर पहली बात तो ये है कि उसको दबाने, मामले को दबाने की कोशिश की गई, दूसरा फिर खैर मामला नहीं दबा, कुछ लोग थे वो फैल के इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो जब मामला खैर फिर आगे बढ़ गया कुछ लोगों की मदद से, तो इंक्वायरी शुरू हुई और इंक्वायरी में क्लियरली निकल के आया कि बहुत नाजेबा हरकत हुई हैं उन बच्चियों के खिलाफ जो कि इन अ पोजिशन ऑफ नो पावर हैं, एज अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक देम परमानेंट और टू फायर देम। तो मतलब होल एंड सोल अथॉरिटी के खिलाफ वो बेचारियाँ उठ के गईं। तो जब ये प्रूव हो गया और बहुत ही सीरियस किस्म के ऑफेंसेस, तो उसके बाद जो डिस्कशन शुरू हुई और जो मैं तीसरी बात आपको कह रही थी कि पहले घर से क्यों निकली, उसके बाद उसकी अपनी गलती होगी, दोनों केसेस में उसकी अपनी गलती है कि पहले उसने एडवांस किया होगा। तीसरी बात ये कि ये बहुत बड़े DMG अफसर थे, सुबह भी नहीं आपको बताती और नाम तो डेफिनेटली नहीं, इदारा भी नहीं बताती। तो जो इंक्वायरी कमेटी थी जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो कि बाकी DMG ऑफिसर से मुश्तमिल थी, उसमें ये कहा गया कि क्या हम ये टके टके की लड़कियों के लिए आज अपने लोगों को करेंगे, इंक्रिमिनेट करेंगे या उनको डिसएडवांटेज करेंगे, हम अपनी सर्विस जो कि इलीट सर्विस है DMG उसको हम डिसएडवांटेज करेंगे या डिसफेवर करेंगे इन टके की लड़कियों के पीछे। तो वहाँ तक बात पहुँचती है और मामले की जो गंभीरता है वो मेरे ख्याल से वो यहाँ तक पहुँचती है कि आप हर चीज़, हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हरासमेंट को की रिपोर्टिंग को डिस्करेज किया जाए, हरासमेंट को क्वाश कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग रिपोर्ट करना छोड़ देते हैं। उन 7-8 लड़कियों ने भी हिम्मत हार दी उन्होंने, और उसको मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ, बहरहाल वो लेटर, और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे जो पूरी उस हुकूमत के में हर एक को पता चला, वो लड़कियां अगली दफा चुप कर दी होंगी, क्योंकि अगर वो बोलना भी चाहती होंगी तो उनके घर वाले कहते होंगे चुप करके काम करो, ये नौकरी बहुत जरूरी है, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी इज्जत पे हमला आएगा, लोग समझेंगे कि तुम्हारी गलती है ये हरासमेंट तुमने रिपोर्ट की है। तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर वाजिया हो गया होगा कि हमारे पास आदाद व शुमार क्यों नहीं है, लड़कियां बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करती हैं, और जब करती हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। और लड़कियों का लफ्ज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हरासमेंट सबके साथ होती है, मगर ज्यादातर
खवातीन ही विक्टिम्स ऑफ हरासमेंट होती हैं हमारे मुआशरे में इस नहज पे। हो सकता है आगे जाके मर्दों की हरासमेंट ज्यादा हो जब ज्यादा औरतें इन पोजिशन ऑफ पावर आ जाएं, मगर एट दिस टाइम इट इज मोर वेमेन। और नतीजतन क्या होता है, आपके पास वेरियस इसी स्लाइड में आदादोशुमार मौजूद है, नतीजतन क्या होता है कि पाकिस्तान इज नॉट डूइंग वेरी वेल ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस रैंकिंग्स, जिसमें कि औरतों की सेफ्टी को या औरतों की एम्पावरमेंट को मेजर किया जाता है। एक आपके सामने वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं उस इंडेक्स के ऊपर, या इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसमें भी वी आर बॉटम से हम तीसरे नंबर पे, 153rd out of 156। और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो हमारे से बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिनका कल्चर हमारे जैसा ही है। सो इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन of women and making sure harassment reporting happens. मैंने पहले I alluded to it के ये क्यों किन levels पे harassment गलत है। वो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने आईन में ये लिखा है कि मर्द और औरत बराबर हैं, रंग नस्ल जेंडर सेक्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है और बहुत रिलीजन क्रीड का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसके बेसिस पे कोई तफरीक नहीं की जाएगी। और आर्टिकल 25 क्लियरली कहता है इस बराबरी को सिटीजन्स की एनफोर्स करता है, और आर्टिकल 25(3) ये भी कहता है कि खसूसी कवानीन स्टेट बना सकता है जिनसे कि औरतों और बच्चों की प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस हो और उनकी प्रोटेक्शन हो। तो ये कानून जो हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस है वो 25(3) के तहत बना है। फिर आर्टिकल 34 जो आईन का है वो दैट एनफोर्सेस द राइट ऑफ वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस। तो जो काम करने का हक है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट की वर्क प्लेस हो, या पार्क में जाना हो, या बाजार में जाना हो, या पोलिटिकल जलसों में जाना हो, या मीनार पाकिस्तान पे जाना हो, वो आर्टिकल 34 के तहत कवर्ड है। उसका वो मर्दों और औरतों का हक है, मगर खसूसी तौर पे आर्टिकल 34 के तहत औरतों का हक है। आर्टिकल 14 आईन का क्लियरली राइट टू डिग्निटी देता है। और आगे जाके आप एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में देखेंगे, और अभी जो जस्टिस मुशीर आलम साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, उसमें भी द राइट टू डिग्निटी का बहुत को बहुत इन्वोक किया गया है। बिकॉज इट इज फेल्ट कि जब आप किसी भी शख्स को उसकी को हरास करते हैं तो उसकी राइट टू डिग्निटी इज इम्पैक्टेड, इट इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड, एंड दैट राइट टू डिग्निटी हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आर इंटरनेशनल कमिटमेंट दैट आई एम गोइंग टू कम टू। सो इन फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके अलावा खसूसी कवानीन जो आईन में मौजूद हैं, खसूसी कवानीन भी बनाए गए हैं जिनसे कि ये हक इस्टेब्लिश होता है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आज का जो कानून जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट एट द वर्क प्लेस या प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस एक्ट, दिस एक्ट इज क्लियरली वन ऑफ दोज स्पेशल लॉज जो कि पूरे हर सूबे में ये करते हैं, हरासमेंट के कानून को लागू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके इतलाक के लिए मेजर्स भी आउटलाइन करते हैं, आई डिटेल में मैं डिस्कस करती हूँ आगे। फिर जो हरासमेंट, क्योंकि आगे भी मैं आपसे जाके बात करूँगी, खाली काम की जगह पे नहीं होती, मैंने बात की पब्लिक स्पेस पे भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। तो पब्लिक स्पेसेस में हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 509 है जो कि सीरियस ऑफेंस लेता है इसको, और इसके लिए कैद और 5,00,000 तक रुपए जुर्माना भी देता है। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये एक और कानून है जो हरासमेंट को, ऑनलाइन हरासमेंट को प्रिवेंट करता है और मर्दों और औरतों को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से बचाता है जिसमें के सेक्सुअल हरासमेंट भी है। बाएं हाथ को आपको इंटरनेशनल कमिटमेंट नजर आएंगी, पाकिस्तान ने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की हैं, कन्वेंशन अडॉप्ट किए हैं
जो कि लागू होती हैं, जो कि बाइंडिंग होती हैं ऑन पाकिस्तान बिकॉज और एनी कंट्री बिकॉज वी हैव रेटिफाइड देम, वो एक इंडिविजुअल के राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करती हैं एंड इंडिविजुअल का फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से स्टार्ट करें आप, जो कि एक फाउंडेशन है 1948 का फॉर राइट्स ऑफ पीपल, और उसमें ही राइट टू वर्क एंड राइट टू वर्क एंड राइट टू डिग्निटी एंड श्राइन होता है. फिर उसके बाद सीडो एक कन्वेंशन है विच इज स्पेशली फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वो हमें पाकिस्तान के ऊपर लाजम करती है कि उसमें 16 आर्टिकल्स हैं, 16 आर्टिकल्स के तहत हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करे और एम्पावरमेंट के लिए इकदाम ले. या ILO की कन्वेंशन 100 और 111 इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क के अलावा डिस्क्रिमिनेशन को इन ऑक्यूपेशन को एनश्राइन करती हैं. तो ये बहुत सारा जो लीगल फ्रेमवर्क है ये हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी है. टाइप्स ऑफ हरासमेंट मैंने जिक्र कर दिया, उसका वेरियस तरीके आपको पता ही है कि पब्लिक प्लेस में अनवेलकम बिहेवियर होता है, स्टॉकिंग, लेयरिंग, कैट कॉलिंग पब्लिक प्लेसेस में होती है, वर्क प्लेस में अनवेलकम बिहेवियर होता है, ये पब्लिक प्लेसेस में भी स्टॉकिंग, लेयरिंग, कैट कॉलिंग हो सकती है और वर्क प्लेस में भी हो सकती है. फिर साइबर हरासमेंट जिसमें बुलिंग, ट्रोलिंग, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह सब कुछ, वो साइबर हरासमेंट में यानी कि ऑनलाइन हरासमेंट में आती है. और प्लीज़ याद रखिए, इस स्लाइड से मैं वाजह करूँ कि हरासमेंट एट द वर्क प्लेस का गहरा ताल्लुक है हरासमेंट इन पब्लिक प्लेसेस के साथ और साइबर हरासमेंट के साथ, क्योंकि हरासमेंट वर्क प्लेस से ऑनलाइन में तो लाजमी ट्रांसफ़र होती है. आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, ऑल द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो साइबर हरासमेंट के ज़िम्मे में आते हैं और इस वो आपने देखा है कि वो इस्तेमाल होते हैं फॉर मैन एंड वेमेन टू कोट ईच अदर और टू हरास ईच अदर. तो इसके साथ हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के कानून के साथ जो सज़ा मिलती है उसके साथ साइबर हरासमेंट की कानून के तहत, पीका के तहत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत भी सज़ा मिलती है. ये नहीं है कि वो खाली एक ही जगह पे सज़ा मिले, और पब्लिक प्लेसेस पे भी अगर ये बाहर निकल के होती है तो वहाँ पे भी आपको सज़ा मतलब हरासमेंट पे सज़ा मिलती है. पीकअप का मैंने पहले जिक्र किया कि अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट, यहाँ पे आप राइट हैंड को देखें तो जो तीन दो डब्बे हैं खास तौर पे, ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन या अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, अगर आप करते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, कोई उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो वो इनके जिम्मे में आती हैं और उसमें 3 साल तक सज़ा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होता है एंड मोर. फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इसी जिम्मे में आती है जो कि पीका के तहत होता है. नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ द लॉ, ये कानून जो है मैंने जैसा पहले बताया 2010 में पाकिस्तान में पास हुआ, और पाकिस्तान में जब ये पास हुआ उस वक्त तक रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये कानून पूरे पाकिस्तान पे लागू था. मगर जब रेवोल्यूशन हुई तो बहुत सारे सोशल सब्जेक्ट स्पेशली रिलेटेड टू वेमेन वर डिवॉल्व टू द प्रोविंसेस. नतीजतन द प्रोविंसेस हैड टू फॉर्म देयर ओन लॉज और टू दे हैड टू प्रोमलगेट देयर ओन लॉज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट हरासमेंट इज डेल्ट विद. और फिर हरासमेंट एट द वर्क प्लेस को पंजाब में प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2012 के तहत डील किया गया. बलूचिस्तान में 2016 में कानून आया, मगर ये नहीं है कि इससे पहले हरासमेंट डील नहीं हो रही थी, वो पहले पाकिस्तान के एक्ट के तहत डील हो रही थी. सिंध प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट इमीजिएटली अडॉप्ट हो गया 2010 में ही, और बाद में उसमें कुछ तरामीम आई, और खैबर पख्तूनख्वा में भी इमीजिएटली अडॉप्ट हुआ मगर तरामीम 2017-18 में आई. तो ये स्पेशल लॉज हैं जो कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट के नाम से आते हैं. जब ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू हुआ तो मेरे से ये सवाल हुआ कि जी ये हरासमेंट तो मर्दों की भी होती है,
तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये हरासमेंट ऑफ वेमेन ओनली। तो मैं वाजे करती चलूँ कि गो के कानून का नाम प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वेमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट है, मगर अगर आप आगे जो डेफिनेशन आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं तो इसमें कंप्लेनेंट कोई मर्द या औरत दोनों हो सकते हैं, या कोई औरत या मर्द दोनों हो सकते हैं। जो भी कंप्लेनेंट वो है, एनी वुमन और मैन हु हैज मेड अ कंप्लेंट टू द ओम्बड्स पर्सन और टू द इंक्वायरी कमेटी ऑन बीइंग अग्रीव्ड डायरेक्टली बाय एन एक्ट ऑफ हरासमेंट। तो वो जिसके साथ हरासमेंट हुई है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ऑल्दो कानून का नाम हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज जो हैं वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर हैं। एम्प्लॉई इज, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके इर्द गिर्द भी यूजली ये समझा जाता है कि परमानेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो ही खाली इस कानून के तहत डील होते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इस कानून के तहत एम्प्लॉई के ज़िम्मे में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ही आते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे हों, बल्कि दे कैन बी एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस ऑल्सो। और आपको पता है कि हुकूमत में डेली वेजेस का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे रूल्स के तहत प्रोवाइडेड है, तो डेली वेजेस भी बहुत सारे होते हैं। वीकली, मंथली या आर्ली बेसिस पे भी अगर कोई एम्प्लॉयड है जिसकी सर्विसेज आपने किए हैं, हायर किए हैं, तो वो भी एम्प्लॉई के ज़िम्मे में आते हैं, और इंटर्न्स और अप्रेंटिसेस भी एम्प्लॉई के ज़िम्मे में आते हैं। एक और वजाहत करती चलूँ कि इवन दो यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ स्टूडेंट्स का, और आपके लिए वो डायरेक्टली रेलेवेंट है, और ये एक इवॉल्विंग बहस है कि क्या स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं या नहीं हैं इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई। इस पे वेरियस जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने कानून का स्कोप वाजे किया है, और उस स्कोप में स्टूडेंट्स को लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में भी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है। तो एक दो केसेस में लम्स, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक हरासमेंट का केस हुआ था उसमें स्टूडेंट को ओम्बड्स पर्सन के पास जब ये केस गया, जो कि एक सूबाई मोतसिब का इदारा है, खातून मोतसिब का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट तो मेरे जिम्मे एक्ट के उसमें स्कोप में नहीं आते, तो इसलिए वी विल नॉट टेक दिस केस। बट देन थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स स्टूडेंट्स वर एडेड टू द डेफिनेट टू द लॉ। देयरफॉर एनी स्टूडेंट ऑफ योर्स हु इज हरास्ड आइदर बाय अ टीचर और बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और बाय इवन अ फेलो स्टूडेंट and it's a sexual harassment mainly, वो सब कवर होंगे इस कानून के तहत। प्लीज हैव नो कंफ्यूजन अबाउट इट। एम्प्लॉयर एक और कैटेगरी है। एम्प्लॉयर की जो कैटेगरी है वो ये है कि कोई भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, जो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं उनको एम्प्लॉयर के जिम्मे में लिया जाएगा। तो अगर एक फैक्ट्री है या वो एक छोटे लेवल पे चीज़ें बना रही है, यू नो एक कमरे की भी उसको फैक्ट्री कई दफ़ा कहा जाता है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं देती, क्या वो एम्प्लॉयर है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि कानून उसको वाज़े तौर पर एम्प्लॉयर के ज़िम्मे में लेके आता है। और अगर वन ऑफ द स्टाफ शोज कि जी इस कमरे में 5 लोग हायर किए गए टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स बनाना, फॉर एग्जाम्पल सिलाई कढ़ाई का काम करना, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग करना बिठा के एक जगह पे, तो वो जो हूएवर इज हेडिंग इट विल बी डीम्ड एन एम्प्लॉयर। और ये इसके लिए मैंने पहले भी वाजे किया कि कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअल और इट कैन बी इन एनी अदर मैनर। इसमें एक अथॉरिटी भी आती है, और अथॉरिटी इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी रन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएंगे. और देयरफॉर नेचुरली एंड आई थिंक इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि कॉलेजेस क्लियरली एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं और सेवरली वो इंडिविजुअली एंड सेवरली जो लॉ से बातचीत करते हैं उस तरह भी लाइबल होते हैं क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि प्रिंसिपल के लेवल तक एम्प्लॉयर को प्रिंसिपल के लेवल तक डीम किया जाए या ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट. बट आइदर वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लियर है कि प्रिंसिपल के ऊपर पहला आता है जिम्मेदारी आती है प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट एट द वर्क प्लेस जिसके लिए उनको वेरियस इकदाम करने चाहिए. हर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑल द कॉलेजेस दैट यू आर वर्किंग इन और यूनिवर्सिटीज उन पे लाजिम है कि वो इंक्वायरी कमेटी बनाएं. सो ये इंक्वायरी कमेटियां कानून बनने के 30 दिन तक बन चुकी होनी चाहिए थी. आई होप कि आपके इदारों में इंक्वायरी कमेटीज बनी हुई हैं क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं. ये कंप्लेंट आने पे नहीं बनती, ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं. इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एटलीस्ट एक औरत ज़रूरी है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक सीनियर मैनेजमेंट से होना चाहिए, एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज होना चाहिए. जहाँ पे सीनियर एम्प्लॉई नहीं है वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंसी यानी यूनियन का मेंबर होना चाहिए या एसोसिएशन का मेंबर. और खातून जो है वो सीनियर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे शायद क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक औरत का जिक्र है मगर आगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत कानून को मौसर बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वुमन हु इज़ एबल टू वर्क फ्री फ्रॉम प्रेशर. ऑल मेंबर्स शुड वर्क फ्री फ्रॉम प्रेशर बट स्पेशली अ वुमन टू बी सीनियर इनाफ not to give in to pressure. So, उसके लिए अगर आपके इदारे में जगह नहीं है तो एक मेंबर को बाहर से भी ला सकते हैं, को-ऑप्ट किया जा सकता है और इसी 3 मेंबर कमेटी में से एक चेयरपर्सन का इंतखाब होगा, डेजिग्नेट हो जाएगा या हो जाएगी. अगर इंक्वायरी कमेटी के एक मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट है तो वो मेंबर रिप्लेस हो जाएगा बाय अनदर फॉर दैट पर्टिकुलर केस और वो मेंबर बाहर से भी आ सकता है. और अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है डेजिग्नेटेड तो एक वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करेगी, यू नो. फिर एक खातून मोतसिब का दफ्तर है और वो खातून मोतसिब के पास अगर इंक्वायरी एम्प्लॉयज इंक्वायरी लेके जाना चाहें या स्टूडेंट इंक्वायरी लेके जाना चाहें तो उनके पास इख्तियार है कि वो बजाय इंक्वायरी कमेटी के या इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद खातून मोतसिब के दफ्तर या वुमन ऑम्बड्स पर्सन के दफ्तर में ये अपनी दरख्वास्त दे दें, कंप्लेंट दे दें. एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो, इन पंजाब देर इज़ एन ऑम्बड्स पर्सन ऑफिस, मोतसिब का दफ्तर है जो स्पेसिफिकली हरासमेंट के केसेस से डील करती हैं. और डील करती इसलिए कह रही हूँ कि कानून कहता है, उनका कानून ये कानून कहता है कि वो खातून होनी चाहिए. उनका दफ्तर नहर पे है शादमान में लाहौर में, मगर उनके एम्बिट पूरे पंजाब में है. हर सूबे के अपने ऑम्बड्स पर्सन होते हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी होते हैं कई जगहों पे और उनके पास इख्तियार है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन टू deal with any complaint which is coming from the province or the federal subai jo wafaqi mutasib hain wo federal cases ke sath deal karte hain. ye jo ombuds person ka daftar hai ye bahut hi ek mutabir khatoon hold karti hain hamesha se, senior ex senior government officer, somebody who is qualified to be a judge, सीनियर लॉयर एक्सेट्रा, वो ऑम्बड्स पर्सन होते हैं. और जैसा मैंने पहले कहा कि एक कंप्लेंट को डील के रिजल्ट से अगर कंप्लेनेंट खुश नहीं है या अक्यूज्ड खुश नहीं है तो दे हैव द ऑप्शन टू प्रेफर अ कंप्लेंट टू द ऑम्बड्स पर्सन आल्सो. या वो ये भी कर सकते हैं कि अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो या बजाय इंक्वायरी कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसके बजाय ऑम्बड्स पर्सन के दफ्तर ले जाएं. इस
जो लेवल है, पहले इंक्वायरी कमेटी यूजली है, उसके बाद यूजली ऑम्बड्स पर्सन का दफ्तर है, इकट्ठा भी हो सकता है, आई मीन इट कैन बी आइदर और। अगर इन दो फोरम्स पे कंप्लेनेंट या अक्यूज दोनों को लगा इंसाफ नहीं मिला, तो आखिरी फोरम गवर्नर है। गवर्नर के पास अग्रीव्ड पर्सन डिसीजन लेके जा सकते हैं अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 8, जब उनको नतीजा मिले तो या जजमेंट डिसीजन मिले तो। एंड प्लीज ऑल्सो रिमेंबर कि एज अ सिटीजन हर एक का हक है कि कोर्ट में भी कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है उसके अंदर ये लेके जा सकें, केस लेके जा सकें। केस की नौयत क्या होगी, इस्टेब्लिश ये करना है कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, यानी कि अ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी सच ए सुपरवाइजर एक्सेट्रा, वो उन्होंने सेक्सुअल फेवर्स मांगे हैं, चाहे वेज इंक्रीज के लिए मांगे हों, चाहे तो चाहे जॉब लेने के लिए मांगे हों, या बेनिफिट लेने के लिए मांगे हों, या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मांगे हों, चाहे ट्रांसफर के लिए, आप किसी के पास ट्रांसफर के लिए जाती हैं या जाते हैं, तो आगे से वो गैर मुनासिब रिक्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि वो सुपरवाइजर ही हो, अगर दो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक फीमेल और एक मेल, तो पोजिशन तो एक जैसी ही है ना। बट इफ शी अक्यूजेज हिम और ही अक्यूजेज हर, तो वो भी प्योरली विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ आएगा और वो उसका मैंडेट कानून के मैंडेट में आ जाएगा। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट पे मैंने तफसील में बात की कि वो कैसे उसमें हरासमेंट की कंप्लेंट्स में यूजुअली ये चीज़ें नज़र आती हैं, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट नज़र आती है, रिटेलिएशन नज़र आती है कि जब किया हरास किया और आगे से इनकार आया तो आगे से उसकी इंक्रीमेंट रोक दी या ट्रेनिंग रोक दी या प्रमोशन रोक दी या उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी या उसके इर्द गिर्द माहौल ऐसा, जैसे मैंने पहले कहा, पॉइजन वर्क एनवायरनमेंट इकट्ठी कर दी, ये सारे हरासमेंट की जिम्मे में आएंगे। नतीजतन क्या होगा, और मैं प्रोसीजर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी भी क्विकली बता दूंगी, मगर पेनल्टीज क्या है। पेनल्टी ये है जी के माइनर पेनल्टी सेंसर से शुरू हो सकती है, सेंसर कैन बी वर्बल और रिटन, और प्रमोशन भी रुक सकती है, इंक्रीमेंट भी रुक सकती है, रिकवरी भी हो सकती है पैसों की, जो कॉम्पेंसेशन अवेलेबल पेएबल हो टू द कंप्लेनेंट वो रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि कई दफ़ा जो डेली वेजेस पे स्पेशली हरासमेंट की इंक्वायरी के दौरान में उनको काम पे आने से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके दिहाड़ी ज़ाया होती है, या ना भी डेली वेजर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, उसको मना कर दिया गया आने से। जब केस डिसाइड हो गया और पता चला कि शी और ही जो भी कंप्लेनेंट है वॉज इन द राइट, तो ऐसे सिलसिले में फिर कॉम्पेंसेशन लाजिम बनती है और वो कॉम्पेंसेशन रिकवरेबल होती है। फिर कुछ मेजर पेनल्टीज हैं, जैसे आपको पता ही है कि या तो रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, या कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड फाइन। ये एंड का लफ्ज प्लीज गौर से सुनिए, क्योंकि फाइन आइदर और नहीं है, ये नहीं हो सकता कि या रिटायर कर दें या फाइन ले लें, या रिमूव कर दें सर्विस या फाइन ले लें, या डिसमिस करें या फाइन लें, नहीं, उसके साथ साथ फाइन भी होगा एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर द कंप्लेनेंट। तो ये काफी एक सीरियस क्राइम है हरासमेंट, और इसका नतीजा काफी सीरियस निकलता है, और आगे आप देखेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है जिसमें कि काफी सीरियस नतीजा निकला है। क्विकली प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी लाइक ऑल अदर इंक्वायरी कमिटीज, अगर आप किसी इंक्वायरी कमेटी के मेंबर बनते हैं या बनती हैं, तो जब रिटन कंप्लेंट रिसीव हुई तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेनेंट जो है, जो उसने कंप्लेन की है, उसके चार्जेस आपने अक्यूज को कम्युनिकेट करनी है, ताकि अक्यूज को पता चले, बिकॉज फेयर ट्रायल वही होती है जिसमें दूसरे को बताया जाए कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं और उसकी बात सुनी जाए। तो ना सिर्फ चार्जेस कम्युनिकेट किए जाएं, बल्कि
आगे से जो एलिगेशंस लेवल हुई हैं वो उनके उन उनका रिबैटल दिया है. सो एक तो उनको कम्युनिकेट करें कि क्या उनके खिलाफ चार्जेस हैं, फॉर्मल रिसीट लें लेटर की या वो चार्जेस को कम्युनिकेट करने की, फिर 7 दिन का अरसा दें इनके रिटन डिफेंस अपना पेश करें, और अगर रिटन डिफेंस नहीं पेश करते तो कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग, एक्स पार्टी प्रोसीड करें. ये नहीं है कि आपके वो तो जवाब ही नहीं दे रहे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते. कानून आपको क्लियरली कहता है कि प्रोसीड करें एक्स पार्टी. एक्स पार्टी का मतलब होता है विदाउट द पेरेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड और इवन द कंप्लेनेंट. आप आगे चल सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है. फिर आप इंक्वायर करते हैं इनटू द चार्ज और नेचुरली आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगवाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, वो फेसबुक की पोस्ट आपको दी जाएं, उनके पिक्चर्स या स्क्रीन पे शॉट्स जो होते हैं वो. सिमिलरली आप विटनेसेस भी बुलाते हैं जहाँ तक मुमकिन होता है. कई लोग आगे शायद आएंगे, कई दफ़ा हरासमेंट के केसेस में लोग नहीं आते, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व बिकॉज आगे उनको किया जाता है, उनको तंग किया जाता है. तो ऐसे केसेस में इंक्वायरी कमेटी मस्ट मेक श्योर या पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेक श्योर के लोग इंटिमिडेट ना हों, लोगों को इंटिमिडेट किया ना जाए, ना सिर्फ कंप्लेनेंट को इंटिमिडेट ना किया जाए बल्कि विटनेसेस को भी इंटिमिडेट ना किया जाए. तो अगर ये किया जाए तो फिर उसके खिलाफ एडवर्स एक्शन लेना जरूरी बनता है और वो कंटिन्यूड हरासमेंट के जिम्मे में आएगा. और यू हैव टू मेक श्योर के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो. फाइनली इंक्वायरी कमेटी को अगर आप हैं तब भी ये चीज़ें याद रखें, अगर आप नहीं हैं और आपके इदारे में हो रही है, आप कंप्लेनेंट हैं, तब भी मेक श्योर कि इंक्वायरी कमेटी गिव्स इट्स फाइंडिंग्स इन राइटिंग और एक्सप्लेन करे रीजंस देयर ऑफ लाइक ऑल अदर इंक्वायरी कमेटीज. साथ ही साथ प्लीज़ अपने इदारों में इंश्योर कराएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है एज एन एम्प्लॉयर कि वो कानून का इतलाक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट को इंश्योर करें. इसके लिए उनको एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अडॉप्ट करना है. कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो कानून में दिया हुआ है. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल. इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर बिहेवियर. कौन सा बिहेवियर, कौन सा रवैया मुनासिब है, विच इज़ अनवेलकम और इट इज़ इम्प्रॉपर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द वर्क प्लेस इज फ्री ऑफ हरासमेंट. वो कोड क्लियरली आउटलाइन करता है. हर ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले भी कहा उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करे. आपने आज अब जाके वापस तो ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्वायरी कमेटी है या नहीं है. अगर है तो एक और चीज़ भी है, प्लीज़ याद रखें कि उस इंक्वायरी कमेटी का सबको पता है कि नहीं पता. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो नज़र आए. और इंक्वायरी कमेटी का पता होने के अलावा जो मेंबर्स हैं वो दे मस्ट मेक श्योर कि उनका रवैया ऐसा हो कि लोग इनकरेज हों टू रिपोर्ट सीरियस केसेस ऑफ हरासमेंट. अगर मुझे पता हो कि मेरे इदारे में एक इंक्वायरी कमेटी होगी, अनाउंस होगी और उसके जो मेंबर हैं वो तो कभी भी पर्सन इन पोजिशन ऑफ पावर को नहीं करेंगे, टेक ऑन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो मैं तो नहीं, आई विल नॉट take my complaint to that inquiry committee. Also, अगर मैं inquiry committee के पास ले के गई हूँ केस और उनका रवैया इस कदर hostile है कि नहीं तुम्हारी गलती होगी, औरतें तो करती ही ऐसे ही है वो, तो फिर ना सिर्फ मैं डिस्करेज होंगी बल्कि 10 लोग और जो आपको पता है कितना खबर कैसे फैलती है, तो और जो 10 लोग ये जो बातें सुनेंगे वो भी सीरियसली डिस्करेज होंगे और वो आपके पास नहीं आएंगे. तो इंक्वायरी कमेटी हैज़ टू बी वेरी एक्टिव. और उसके लिए कोड कहता है कि इंक्वायरी कमेटी का सबको पता होना चाहिए. सिमिलरली कोड को डिस्प्ले होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो पोस्टर्स के फॉर्म में गवर्नमेंट ने भी बनाया हुआ है और तंजीमें उन्होंने भी बनाया हुआ है, तो वो पोस्टर्स के फॉर्म में हर जगह लगाएं इंफॉर्मेशन ताकि स्टूडेंट्स को भी पता हो, आपके स्टाफ को भी पता हो, सबको पता हो कि
कि कोड क्या कहता है, कानून क्या कहता है, सादा जबान में, अंग्रेजी में, उर्दू में, यू नो, इन एवरी थिंग, इन एवरी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय पीपल, बाय मोस्ट पीपल. इस कानून के रूल्स बन चुके थे 2013 में ही, जो कि मजीद क्लैरिफाई करते हैं डेफिनेशंस को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कंप्लेंट प्रोसीजर, पेनल्टीज, रिमेडियल मेजर्स, एडवाइस, काउंसलिंग, सब कुछ बहुत मजीद डील करते हैं. मगर काफ़ी सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली. अगर रूल्स देखने हों तो आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस रूल्स 2013 देख लीजिए. और फिर कुछ एक जरूरी है, एंड वी विल रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन इन अनदर मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स. बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ केस लॉ देखें, डिटेल्ड जजमेंट्स देखें. अब जिस तरह के ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है फ्रॉम 2019, आसिफ सलीम वर्सेस चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर केस है. आसिफ सलीम साहब एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उनके खिलाफ चार्ज एक स्टूडेंट ने, उन्हीं की स्टूडेंट ने लगाया कि वो उनको हरास करते हैं. किस तरीके से, कि उनको अपने बोर्डिंग के कमरे में बुला लेते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें आगे भी बढ़ी. वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाज आल्सो एट द सेम टाइम, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और समथिंग इन द सेम यूनिवर्सिटी, पीएचडी स्टूडेंट ऑफ इन द सेम यूनिवर्सिटी. तो जो पेनल्टी है उस पर आप फिर गौर कीजिएगा कि कैसे प्ले आउट की. एनीवे, जब वो केस स्टूडेंट लेके गई इंक्वायरी कमेटी के पास यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी ने उनको उनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया और दे फाउंड इट टू बी करेक्ट, एक्यूरेट एंड एक्शनेबल. And they found the accused guilty of committing sexual harassment at the workplace. जिसके नतीजे में उन्होंने inquiry committee ने recommend किया कि the accused should be dismissed from service. And not only dismissed from service, but also accused को as a student be of PhD also should be rusticated because it is very highly unwelcome. तो जब इंक्वायरी कमेटी ने डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ये फाइंड किया और ये रिकमेंड किया, हायर एजुकेशन कमीशन ने अपहोल्ड किया उस डिसीजन को, तो फिर भी जो अक्यूज था उसने नेक्स्ट लेवल पर जाए ऑम्बर्ड्स पर्सन और इधर उधर जाने के, वो सीधे हाई कोर्ट में ले गए, लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ले गए और रिट पिटिशन दायर कर दी, नंबर 28791. जब लाहौर हाई कोर्ट ने सारे केसेस एग्जामिन किए तो उनका जो जजमेंट है उसकी लैंग्वेज आप देखेंगे कि बहुत ही उमदा लैंग्वेज है, बहुत क्लैरिफाइंग लैंग्वेज है, और वो आपको मैं एक मिनट दूंगी कि आप पढ़ें, जिसमें कि वो वाजे कर रहा है लाहौर हाई कोर्ट के हरासमेंट कितनी ज़्यादा पर्वेसिव है, परसिस्टेंट है, हर तरफ होती है, उसका नतीजा क्या निकलता है, हमारी क्या इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं. प्लीज़ टेक अ मिनट, मैं रुकती हूँ, आप एक मिनट लेके आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसको पढ़िए. तौर पर उन्होंने कहा है हाईकोर्ट की जजमेंट ने कि ये जो कांस्टेंट एडवांसेस होते हैं फीमेल स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो एक फंडामेंटल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर. द ट्रस्ट, द फंडामेंटल ब्रीच ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, और जिसकी वजह से इवन दो हमारी ज़्यादातर लड़कियां और मोर एंड मोर गर्ल स्टूडेंट्स, वेमेन एक्सेट्रा आर गोइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि एक महज़ब माशरे के लिए ये बहुत लाजमी है इन अ सिविलाइज सोसाइटी टू प्रोटेक्ट ऑल जेंडर, यू नो, एंड इंक्लूडिंग वुमेन. सिमिलरली वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में ये है कि ILO की डेफिनेशन के तहत जो स्पेशली जो कन्वेंशन है ILO की कन्वेंशन, रिलेटेड कन्वेंशन, उसके तहत ह्यूमन बीइंग्स हैव अ राइट टू डिग्निटी, द राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये सारे जो हक हैं वो उनके हैं, मर्दों और औरतों दोनों के हैं, और अगर हरासमेंट होती है तो ये राइट इम्पिंज होता है, ये राइट नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है. कानून का भी मैंने पहले जिक्र किया, आर्टिकल 25, 34, 14 सब इसको अपहोल्ड करते हैं. फिर आगे जाके, और ये दूसरी स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ये कहती है कि जब एक
हरासमेंट एट द वर्क प्लेस होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाई जाए विच इज फ्री फ्रॉम हरासमेंट, फ्री फ्रॉम अब्यूज एंड इंटिमिडेशन, तो उससे क्या होगा कि हायर प्रोडक्टिविटी भी होगी. अगर मेरे खिलाफ हरासमेंट हो रही है एट द वर्क प्लेस, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क, माई क्वालिटी ऑफ लाइफ विल सफर. तो अगर ये चीजें प्रिवेंट होती हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है. और साथ ही साथ हाईकोर्ट की जजमेंट कहती है कि अप्रोप्रिएट कंप्लेंट मैकेनिज्म क्रिएट होना चाहिए फॉर रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट, जो कि टाइम बाउंड ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स करें. ये नहीं है कि सालों साल गुजर जाएं आप और जिसने कंप्लेंट किया उसको कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा, एंड में वो भी अपना केस ड्रॉप कर देते हैं, बाकियों को भी इबरत हो जाती है कि भाई हरासमेंट की कंप्लेंट कभी ना करना. तो टाइम बाउंड ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और केस में अली जफर वर्सेस मीशा शफी का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस इसलिए पहुंचा कि वहां पे लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में भी और खातून मोतसिब के भी दफ्तर में ये कहा गया कि ये एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में अली जफर नहीं आता, वो तो कॉलीग्स थे, इसलिए ये तो केस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता हमारी. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचा तो अभी केस का फैसला हुआ है या नहीं हुआ, कौन सही है कौन गलत है उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, मगर हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये है कि एक्ट किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा, कंप्लेनेंट्स में की जिम्रे में किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी दे ऑल्सो फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टीचर्स को एम्प्लॉय के जिम्रे में लिया जा सकता है और स्टूडेंट गो के वो एम्प्लॉय नहीं है मगर वो भी सक्सेसफुली लॉज कर चुके हैं कंप्लेंट, तो इसलिए उनको भी कंप्लेनेंट के जिम्रे में लिया जा सकता है. सिमिलरली वो कहते हैं कि अगर हम अज्यूम कर भी लेते हैं कि मीशा शफी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आती, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो एक्चुअली है, मगर फिर भी एक्ट किसी को बार नहीं करता कंप्लेंट लाने में ऑम्बड्स पर्सन के दफ्तर के सामने, क्योंकि ऑम्बड्स पर्सन ने कहा था ये मेरे केस, मेरे इख्तियार में केस नहीं है, तो बार नहीं करता. तो इसलिए अगर जो अली जफर है वो एम्प्लॉय नहीं भी है तो तब भी, विच इन रियालिटी अगेन दिस है दे से ही इज, तो तब भी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो के जो लॉ है वो उसके ऊपर लागू होता है और मीशा शफी का हक बनता है कि ये केस ला सके बिफोर द कोर्ट. तो ये एक बहुत सेमिनल जजमेंट है और सेमिनल डिसीजन है. और ये इससे पहले वाला लाहौर हाई कोर्ट वर्सेस आसिफ सलीम वर्सेस बीओजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये दो बड़े सेमिनल केसेस हैं. और अगर मैं इसको रैप अप करूं कॉन्वर्सेशन को तो अभी जस्टिस मुशीर आलम साहब का जो डेफिनेशन थी, लोगों ने इस तरीके से देखा कि ओहो ये तो जस्टिस मुशीर आलम साहब कह रहे हैं कि लॉ जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट है का कानून वो तो लागू ही नहीं होता इसके ऊपर, मतलब जो के एटीट्यूड्स हों या ऐसे ही चीज़ें जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल ना हो उस पर लागू ही नहीं होता. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट दैट वाज नॉट द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट. द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट वाज कि ये कानून लिमिटेड है, इसको मजीद मौसर बनाया जाए. और मुशीर आलम साहब ने बल्कि तकवीत दी इस कानून को कि इसको एक्सपैंड किया जाए, इसमें और चीज़ें डाली जाएँ ताकि ख़वातीन की प्रोटेक्शन हो, बिकॉज उनके मुताबिक ख़वातीन काफ़ी सफ़र करती हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जो सेक्सुअल हरासमेंट सफ़र करता है इन अ कल्चर एंड सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, उसको मेजर डिस्ट्रेस कॉज होती है और ये रिग्रेसिव बिहेवियर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक ह्यूमिलिएटिंग एंड ऑफेंसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उसका बहुत डेवस्टेटिंग अफेक्ट होता है ऑन एनी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि हरासमेंट हुई है, उसकी डिवेलपमेंट और उसकी डिवेलपमेंट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर. तो इसके साथ मैं आप ये आज का सेशन अपनी तरफ से लेक्चर ख़त्म करती हूँ. सॉरी हमारा इंटरैक्टिव ज़्यादा नहीं हो सकता, अब इसको खोलते हैं सवाल. सोशल मीडिया की बात की है, उसमें जैसे एडिटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं लोग, पिक्चर्स वीडियोस उनको एडिटिंग उनकी कर लेते हैं, नंबर वन ये चीज़. दूसरा मिस यूज़ ऑफ लॉ,
मिसाल के तौर पर अगर दो स्टूडेंट्स का आपस में लव अफेयर है और टीचर फर्क ने उनको मना करता है कि ये काम आप ना करें, उनको जैसे भी उनको मना किया जाता है, तो उस सूरत में फर्क करें वो आपस में प्लान करके टीचर को जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और हरासमेंट के केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात कि अगर फ़र्ज़ करें कि दो पर्सन हैं वो आपस में वो एंगेज हैं इन रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप चल रहा है और किसी भी लेवल पे चल रहा है और बाद में उनकी किसी वजह से लड़ाई हो जाती है और वो फिर फीमेल या मेल जो है वो आपस में हरासमेंट के केस के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ ये तीन बातों का मैडम जवाब दे दीजिए। शुक्रिया जी। आई थिंक बड़े अच्छे आपने सवाल किए हैं। एक आपने बात की है मिस यूज ऑफ लॉ की, मेरे ख्याल से या पहले आपने स्टार्ट किया था कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट करना, मेरे ख्याल ये आपका सवाल था जी। मैम एडिटिंग जो कर लेते हैं पिक्स में वीडियोस में उसमें, हाँ ठीक। तो जी तो ये एडिटिंग जो है ये क्लियरली हरासमेंट के जिम्मे में आती है, खास तौर पे अगर किसी को नुकसान पहुंचाए तो, और वो ना सिर्फ हरासमेंट के वर्कप्लेस के कानून के तहत आती है बल्कि पिकअप प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत भी आती है और एक सीरियस ऑफेंस है ये। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, ये एक सीरियस ऑफेंस है एडिटिंग, एक बात। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही वो ये मिस यूज ऑफ लॉ कि जब दो लोगों का आपस में अगर चल रहा है और प्रोफेसर ने उसको मना किया तो उन पे हरासमेंट का कानून। तो देखिए जी, मेरे ख्याल से एक हम थोड़ा सा क्लियर करें कि किसी को पसंद करना एक हक होता है शहरी का, अगर वो कोई और लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं तो प्रोफेसर को जहाँ तक कॉलेज के ऊपर उसका कोई बुरा असर ना पड़े, अगर वो नहीं हो रहा तो प्रोफेसर को उसको बहुत सीरियसली अपोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस्लाम भी हक देता है कि एक दूसरे को पसंद किया जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कॉलेज के डिसिप्लिनरी रूल्स के अंडर आ रही है और उसकी वजह से प्रोफेसर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं टीचर्स उनको मना करते हैं और फिर वो उस पर हरासमेंट करते हैं तो ये डेफिनेटली अब्यूज ऑफ लॉ है। एंड प्लीज रिमेंबर कि मिस यूज ऑफ लॉ की हर जगह सजा है और कानून में भी हमारे और बल्कि हमारा जो PPC है पाकिस्तान पीनल कोड उसके तहत रॉन्गफुल एक्यूजेशन की क्लियर सजा है। इसमें भी अगर हरासमेंट में आप किसी को अक्यूज करते हैं तो ये नहीं है कि किसी ने कहा कि जिसने मुझे हरास किया आपने फौरन उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। देयर इज अ प्रोसेस, प्रोसेस में सब चीज़ें वाजे हो जाती हैं। मिस यूज ऑफ लॉ तो वैसे भी हमेशा से होता ही चला है, आपको पता ही है। एक मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि एक कत्ल होता है तो पूरा गाँव बुक हो जाता है, हालांकि कई लोग मुल्क से भी बाहर होते हैं उस वक्त, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कानून जब अपना कोर्स लेता है तो मिस यूज ऑफ लॉ नजर आ जाता है, उसके खिलाफ सजा है। और तीसरी बात यह है कि पहले जब उनके रिलेशन होते हैं फिर उसके बाद जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे को हरासमेंट में ले आते हैं, तो सबके लिए आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा। मैं ये वाजे करूं कि जहां पे कंसेंट का एलिमेंट ख़त्म हो गया और एक्शंस अनवांटेड हो गए, शुरू हो गया वो प्रोसेस, तो वो हरासमेंट है। मैं किसी को पसंद करती हूँ उसमें मेरा कंसेंट है, मैं उसके साथ बात करती हूँ, मैं उसके साथ बाहर जाती हूँ, मेरी उसमें मर्जी शामिल है, कंसेंट है, लॉ के तहत उसको कंसेंट का लफ्ज़ कहते हैं। जिस दिन पहले मैं 10 दफ़ा जा चुकी हूँ उस आदमी के साथ, तो आप 11वीं और 12वीं दफ़ा मैंने उसको कहा नहीं आई एम डन विद यू, मैंने तोड़ दिया रिलेशनशिप, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं बात करना चाहती, कंसेंट ख़त्म हो गया है, वो अनवेलकम हो गया है। कानून इज वेरी क्लियर, once it is unwelcome, when once consent is removed it becomes harassment, please take it seriously. ji rana mohammad imran sahab aapka mic ji thank you sir thank you bilal sir ji madam ye main thoda sa discuss aap se karna ye cha raha tha ki aapne jo hai yahan pe women peace and security index ka zikr kiya ki pakistan jo hai wo fourth worst condition mein hai, to is wale se dekhen मुझे लगता है शायद ये कोई कॉपी पेस्ट डाटा या कोई शायद आउटडेटेड डाटा मुझे लगता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक TV प्रोग्राम में भी जो है किसी फीमेल ने इसी तरह का एक डाटा शेयर किया, तो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज़ गिल साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त उसमें एक जो है मतलब के लेटेस्ट जो है उसमें एक लिस्ट पेश की और उसमें जो टॉप 20 कंट्रीज़ थे उस लिस्ट में भी जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं था।
फिर ये है कि आप उसको इस हवाले से भी थोड़ा सा एनालाइज करें कि हमारी जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन तो घर पर रहती है ना, और वो ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग वूमेन है ही नहीं, तो वो इस हरासमेंट के जो वर्क प्लेस की हद तक जो केसेस हैं उनसे तो कम से कम बच जाती हैं। पब्लिक स्पेसिस पे प्लेसिस पे तो शायद पॉसिबली कोई इस तरह का केस बन जाता हो, अदरवाइज जो है वो वर्क प्लेस के हवाले से तो कम से कम जो है वो सेफ़ हैं क्योंकि वो घर पे काम करते हैं। तो फिर ये हम जो है वो फोर्थ प्लेस पे कैसे आ सकते हैं, फोर्थ पोजिशन पर कैसे आ सकते हैं जब हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल जो हैं वो बाहर आती नहीं है। फिर इसके बाद आपने कहा कि हम हमसाया ममालिक से जो है वो काफ़ी पीछे हैं, तो वो जो टॉप 20 लिस्ट है उसमें इंडिया शामिल है, पाकिस्तान नहीं है मैडम? तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपकी राय जो है वो जानना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब, शुक्रिया। वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी, मैंने दो इंडेक्स का जिक्र किया, एक वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स और दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स जो हैं ये कैप्चर करते हैं औरतों की फैसला साजी, औरतों के इख्तियारात, औरतों की तरक्की वेरियस जगहों पे, घर से शुरू करते हैं, सोसाइटी कम्युनिटी में जाते हैं और फिर सोसाइटी पे जाते हैं। इसमें जो वेरियस चीज़ें खासतौर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो चीज़ें मेजर होती हैं वो होती हैं औरतें इकोनॉमिकली कितनी एम्पावर्ड हैं, कितनी औरतें काम कर रही हैं। अगर वो नहीं काम कर रही इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिकली डिसएम्पावर्ड हैं, वो करना भी चाहती हैं मगर नहीं कर सकती। हरासमेंट कैन बी वन रीज़न, खाली ये इंडस्ट्रीज हरासमेंट से डील नहीं करते और वर्क प्लेस से डील नहीं करते। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कितनी औरतों के पास एसेट्स हैं, कितनी औरतें जो हैं उनके बैंक अकाउंट हैं, कितनी औरतें वही उतने ही पैसे कमाती हैं जितने मर्द पैसे कमाते हैं, तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा उनकी सेहत के इंडिसेस होते हैं, कितनी औरतें जचकी के दौरान मर रही हैं, कितनी बच्चियां पैदाइश पे मर रही हैं, बच्चे कितने पैदाइश पे मर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत और बहुत सारी चीज़ें हेल्थ में आती हैं। एजुकेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ ड्रॉप आउट, आपको पता है पाकिस्तान में देर एक इस वक्त 1 मिलियन बच्चियाँ जो हैं वो ड्रॉप आउट हैं, जो निकलती हैं जो स्कूलों में नहीं हैं। There is a very large percentage of girls who do not go to school at all. Drop out तो बाद में होते हैं ना, at all. और लड़कियों और लड़कों का तनासब फर्क है, lesser boys out of school than girls, lesser enrollment of girls than boys. So वो education भी उसमें आता है। फिर उसमें एक और चीज़ जो आती है वो political empowerment आती है, कितनी औरतें candidate होती हैं, कितनी औरतें vote डालती हैं, कितनी औरतों के शनाख्ती कार्ड हैं, ये सारी चीज़ें वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी आती हैं और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी आती हैं। और उसके लिए कोई एनजीओ डेटा नहीं लिया जाता, वो फिगर्स प्योरली सरकारी डेटा पे आते हैं। आज लेबर फोर्स सर्वे रिलीज हुआ है 2018-19 का, उसके अदाद शुमार देखें तो उसमें औरतें पीछे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में उनको इनफॉर्मल गैर रस्मी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और इन चीज़ों के बेसिस पे और उसका जुड़त जो होती है वो सिक्योरिटी के साथ भी होती है। वो निकलती हैं जब औरतें जो घर में भी काम कर रही हैं, पहले तो घरेलू तशद्दुद उनकी सिक्योरिटी में आ जाता है, घर से बाहर निकली हैं आवाज़ें कसना, बसों के ऊपर उनके साथ होना, आपने मीनार पाकिस्तान में देखा, ये सारी इस टाइप की चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उनका बाइख्तियार ना होना, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो और जो पीएम के एडवाइज़र साहब ने चीज़ें गिनाई, पाकिस्तान में औरतों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बड़ा काम हो रहा है। आज स्टेट बैंक बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी लॉन्च कर रहा है, विच इज़ अ वंडरफुल मेजर, बड़ा अच्छा कदम है, मगर जो आदाद शुमार हैं उसके की सोर्सेज किसी एनजीओ ने नहीं इकट्ठे किए, ये याद रखिए। मैं एक सरकारी पोजिशन पर थी जिसमें मैं पंजाब हुकूमत के लिए डेटा इकट्ठा करती थी औरतों के साथ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, और वो नॉर्मली जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा इकट्ठा नहीं होता। हमारे की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते थे, एक जो सेंसस होता है, आपको पता है कि सेंसस हैज शोन कि 39.1% औरतें हैं और 51.9% मर्द हैं। नॉर्मली दुनिया में मर्द ज़्यादा, मर्द कम होते हैं औरतें ज़्यादा होती हैं, हमारी औरतें कम हैं मर्द ज़्यादा हैं। दूसरी बात जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो गवर्नमेंट के सर्वेज हैं, जिसमें की सर्वेज का मैं आपको बता देती हूँ, आप ये जरूर उनको देखिएगा। लेबर फोर्स सर्वे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करता है, पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे ये भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करता है, जिसमें घरेलू तशद्दुद भी निकल के आता है और भी क्राइम्स निकल के आते हैं या मसाइल या मैटरनल मोर्टैलिटी। तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे पाकिस्तान की हुकूमत का, PSLM पब्लिक सेक्टर लिविंग, पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे है PSLM, सूबों के लिए मिक्स मल्टीपल इंडेक्स क्लस्टर सर्वे, ये बुनियादी सर्वे जो होते हैं, एक सेंसस फिर ये सर्वे और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, कॉलेजों से सारे कॉलेजों से डेटा मंगवाना, कितनी लेक्चरर औरतें हैं, कितने लेक्चरर मर्द हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर औरतें हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर मर्द हैं, कितनी स्टूडेंट्स औरतें हैं, कितने मर्द हैं, हेल्थ में कितनी डॉक्टर्स औरतें हैं, कितने EDO हेल्थ जो है अब उनको जो भी कहते हैं वो मर्द हैं, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है, या एग्रीकल्चर में कितनी औरतें, यू नो इस टाइप के आदाद शुमार के ऊपर ये इंडिसीज होते हैं, बनते हैं। और जो इंडिसीज नॉन रिफ्लेक्टिव होते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिन जो कि सिर्फ थोड़े से सैंपल साइज पे होते हैं जो सर्वे, उनको हम भी रद्द करते हैं और उनको नहीं मानते। सो सिचुएशन नंबरों की इतनी अच्छी नहीं है, मगर जो खुश आइन बात यह है कि बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। योर एग्जाम मैडम, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो आपने ये जो इंडेक्स की बात की है, ये किसने बनाया है और किस मेथडोलॉजी पे बनाया गया, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर औरत अगर पर्दा करके निकले तो क्या ये हरासमेंट का इशू कम हो सकता है या नहीं हो सकता? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये एक इंडेक्स नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स हैं। और बाय द वे इस इंडेक्स पे इंडिया भी बहुत बुरा करता है, बांग्लादेश का बहुत अच्छा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उस पर बांग्लादेश का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हम अगर 153 नंबर पे हैं तो वो 51-52 नंबर पे आ रहा है इस वक्त। अब ये वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स अगर देखें तो ये जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी ने बनाया है और इसकी बड़ी रिगरस मेथडोलॉजी है और ये लॉन्च किया जाता है UN के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू किया जाता है, पूरे दुनिया के लिए किया जाता है, पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है खाली, पूरी दुनिया के लिए किया जाता है। मेथडोलॉजी तफसीली बात है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। और दूसरी बात ये जो आपने की है कि दूसरा आपका सवाल, सॉरी मेरे दम से निकल गया, लिखना चाहिए, दूसरा सवाल क्या था जी? मैडम वो पर्दे वाले थे कि अगर पर्दे का जैसे इस्लाम ने हुक्म दिया कि इससे हरासमेंट रिड्यूस हो सकती, हम काम तो नहीं करते कि रिड्यूस की, मैं कह रहा हूं मतलब रिमूव नहीं कर सकते बट रिड्यूस, रिड्यूस की बात है। देखिए ये हमारी मिथ है कि ये प्रॉब्लम औरतों का है, अगर वो अपने कपड़े मुनासिब पहने तो तब उनकी हरासमेंट नहीं होगी। अब एक तो पहली बात यह है कि मुनासिब क्या है आपके हिसाब से, शायद सर को कवर करना और जिस तरह मैंने पूरी आस्तीनों की कमीज पहनी हुई है, गला छोटा है, इस ये मुनासिब हो, मेरे हिसाब से भी शायद ये मुनासिब है। दूसरे बंदे के हिसाब से अगर एक औरत का पूरा चेहरा ढका हुआ नहीं है और पूरा जिस्म बुरके में नहीं है तो वो गैर मुनासिब है, वो इनवाइट कर रही है हरासमेंट। तो एक तो ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज बन जाती है, याद रखिए। तो ये औरत के कपड़ों का मसला नहीं है, ये मर्द की जहनीत और सोच का मसला है जिसको बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है, आप देख रहे हैं कि हर रोज अखबार उठाएं, बच्चियों का रेप, 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, उनके भी क्या कपड़ों को हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या उसको मौरूद इल्जाम ठहराएंगे? क्या बुरके वाली औरतों का रेप नहीं होता? आज की अखबार डॉन उठा के देखिए, एक नौबयाता लड़की अपने घर में थी, 3 आदमियों ने उसको आके रेप किया, क्या ये उसके कपड़ों का कसूर था? क्या वो बाहर निकली थी? तो जो जिंसी जरायम होते हैं उनका ताल्लुक लड़की के कपड़े से नहीं होता, आदमी की जहनियत के साथ होता है, उस पे ज्यादा मेरे ख्याल से काम की जरूरत है। और हाँ, अगर बहुत नामुनासिब कोई औरतों की तरफ से भी हो रहा है काम, जो इन्वाइट कर रहा है ट्रेवल, तो बिल्कुल उनको भी एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, आजादी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कवानीन जितने भी बने हैं, ये बुनियादी तौर पे जिन सोसाइटीज़ के मॉडल्स को फॉलो किया गया है
जहां से ये कवानीन आए हैं आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल की सेक्स वायलेंस और क्राइम उन्हीं मुल्कों में है। दूसरी बात ये कि ये जो रूल्स ये जो लॉज इस तरह के बनते हैं जिनको हमारी सोसाइटी में एनजीओज प्रमोट करती हैं, उन्हें ये बात भूल जाती है कि इस तरह के लॉ कभी भी हमारी सोसाइटी जो है वो इन्हें कबूल नहीं करती है कि हर वो कानून जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा वो मुतसादम होगा, उसको वो उस तरह पजीर मिलेगी और वो कानून नहीं बन सकता। आपने एक चीज वादे की यहाँ पे कि अगर कंसेंट हो तो फिर वायोलेशन नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा अमेरिका में जो कॉमन लॉ पार्टनर का तस्वर है, क्या आप ये समझते हैं कि वो कंसेंट के साथ ही बनता है? ना, कवानीन तो बनते हैं इंसानों की जरूरत के लिए, और कवानीन हम लोगों के मॉडल को देख कर नहीं बनाते। जब कॉमन लॉ पार्टनर का तस्वर अमेरिका और कनाडा में है तो इसका मतलब है कि वहाँ कंसेंट है, तो वहाँ हम इस क्राइम को जब कानून के अंदर शेल्टर दे देते हैं तो क्या कभी हमारी सोसाइटी में ये कंसेंट के साथ ये मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है बुनियादी तौर पर? बहुत जी, मैं आपका आगे मेरे ख्याल से आपने अपने मैं इसका जवाब दे दूं क्योंकि मैंने जैसे पहले का टाइम कम है। आपका बिल्कुल वाजे तौर पे आपका ओपिनियन आ गया जी। बहुत सारी इसके अंदर जो है वो मैम यू कैन आंसर द क्वेश्चन मैम जी। नजर साहब पहले तो क्लैरिफाई करूं, आपने शायद मेरी पहली आधी बात सुनी थी, क्योंकि हमारा एक मेरे ख्याल से तरीकेकार होता है कि जो बात हमें पसंद आती है वो हम सुनते हैं और जो नहीं पसंद आती उसको ब्लॉक कर देते हैं। कंसेंट में मैंने पहले क्लियरली कहा कि एक दूसरे को पसंद करना वो हक है। देखिए हजरत मोहम्मद को भी रिश्ता आया एक जो उम्मत है उनमें से, वो कंसेंट है, उसमें पसंद है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारा दूसरा पार्ट मेरा ये था कि हाँ आप देखें कौन सी चीजें क्लैश कर रही हैं डिसिप्लिन के साथ, और डिसिप्लिन जो कॉलेज का है डिसिप्लिनरी रूल्स, वो यकीनन हमारे कानून और आईन की हदों में रह के बना हुआ है। हमारे कवानीन आपको पता है इस्लाम की रूह से मुतसादम नहीं हो सकते। हमारा जो कंसेंट है उसका फ्रेमवर्क भी स्टेइंग विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और स्टेइंग विद इन द बाउंड्स ऑफ आर इस्लामिक ऑब्लिगेशंस है, तो वहाँ तो डाइग्रेशन कोई ट्रांसग्रेशन हो ही नहीं रही है। जहाँ कॉमन लॉ पार्टनर का जिक्र है पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे लॉज इस्लाम की इंजंक्शंस के मुताबिक बनते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए लीगल कवर उसको कहीं नहीं है, ना ही हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कि जी कुछ चीज़ें एनजीओज करवा लेती हैं, लॉज पास करवा लेती हैं। देखिए चीज़ को दबाने से चीज़ चली नहीं जाती। आपका कसूर में जो वाकया हुआ, जो लड़कों के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, उसको दबा दें आप कहें जी एनजीओज ने उठाया था इसकी वजह से इसके ऊपर हो गया। हमारे मुआशरे में तो हम इस्लामी इकदार को फॉलो करते हैं, तो हमारे मुआशरे में तो सेक्सुअल क्राइम्स होते ही नहीं है, हम तो अपने बच्चों को इतना इम्पोर्टेंट रखते हैं। आपके माशरे में लड़कों के खिलाफ भी सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, उसको दबाने से चीज नहीं रुकती। हरासमेंट आप जाके पूछिए अपनी स्टूडेंट्स से, बाहर निकलती हो तो कितनी को हरासमेंट फील होती है, आप अपने फैमिली में पूछ लीजिए। हरासमेंट क्या एक कंट्राइव्ड फिनोमिनन है, ये बनाया हुआ फैब्रिकेटेड फिनोमिनन है, या रियल फिनोमिनन है? मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल जाएगा इसके। और ये मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है कि हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है। शायद बहुत अमीर हों कुछ लोग, वो उनको ज़रूरत ना हो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए, वो खुद ही बर्दाश्त कर लेते हो खर्चा। एंड फाइनली मेरा हक है ना टू वर्क, मैं शायद पैसे के लिए काम नहीं करती, मेरा हक है टू वर्क। जब मैं बाहर निकलूँ मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त यही देखती रहूँ कि मुझे हरास किया जाएगा तो मैं बुरका ही पहन के जाऊँ। देयर इज नो लॉ दैट टेल्स मी टू डू दैट। हाँ मॉडेस्टी जो कि इस्लाम भी इंश्राइन करता है, अच्छी बात है। मॉडेस्टी आप देख रहे हैं इस वक्त भी मॉडेस्ट अटायर है, वो भी जरूरी है, मगर फिर भी कानून ये नहीं कहता
कि अगर किसी लड़की ने मुख्तसर कपड़े पहने हुए तो आप उसको हरास करें या उसको सेक्सुअली अब्यूज करें। हमें आप तो वैसे भी पब्लिक ऑफिशियल है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फीमेल्स, इट इज योर ड्यूटी एक टीचर होने के नाते भी एंड एज अ पब्लिक ऑफिशियल होने के नाते भी टू प्रोटेक्ट। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑल ऑफ अस कि हम जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दो जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट हैं, हम लड़कियों को प्रोटेक्ट करें ताकि वो उन मजीद बंद ना हों और अपने परसूट कर सकें, अपने दिमाग को एजुकेशनल एजुकेशन के जरिए एक्सपैंड कर सकें, काम कर सकें और मुआशरे की तरक्की में भी साथ दे सकें। इसके साथ बिलाल साहब मुझे क्लोज करना होगा, अच्छी बहुत अच्छी डिस्कशन रही, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thanks a lot for sparing your important time for us, and hope to see you soon, inshallah, in another training as well. Thanks a lot for your time and your support. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Okay, ma'am. Allah Hafiz. Control, ma'am. Yes. Ji, bilkul. Sir, you can start the session. Yes, sir. Right. Participants, time to start our second session of today, and our source person, Dr. Suhail Ahmed, is here with us, and today he will talk about preparing feasibility of government sector project. Over to you, sir. You can start the session. Thank you for your brief introduction. I might inform my participants, my respectable participants, that my background for talking about this planning system, which is prevalent project system, which is prevalent in Punjab and Pakistan, is because I have been working in the planning department and planning sector for quite some time during my service career. I started in 1980 and I retired in 2013. After 33 years, I retired as chairman planning and development. And during my career, I have been twice secretary planning in Punjab. I have been secretary planning division of Islamabad also. And during my career, I have worked in the planning cells or planning development wings of health department, and as well as at a middle level in the PMD department. So that is why I am requested by Punjab HEC, and I am happy to share my experience and my practical knowledge with you about this topic. My lecture will depend on 5 or 6 slides, not very many slides. But before I start these slides, I will spend about 5 to 10 minutes in describing to you the genesis, origin, and history of the planning system in Pakistan. And so whatever slides I will share, and when I will talk to you, until I give you the perspective, background, its origin, its evolution, toh phir baat nahi banti. Aapko history pata honi chahiye ki kahan se ye aaya hai. And that will logically then take me to my topic. So the first 5 to 10 minutes I will spend discussing the history of planning system in Pakistan, the evolution of planning system, and then I will go to my slides and explain to you the whole project planning cycle with the help of feasibility, concept of feasibility, and the concept of having performers PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. वो क्या है? And how do they represent the planning cycle or project cycle? और project cycle क्या होता है? तो और मेरी कोशिश ये होगी, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मेरे लेक्चर्स में क्योंकि आप सब लोग तजर्बेकार और पढ़े लिखे लोग हैं, सो लॉट ऑफ इट इज लर्नड ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। क्योंकि बस वह मुझे भी नहीं पता होता कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं फ्रॉम माई लेक्चर, बट माई लेक्चर प्रोवोक्स यू और यू ब्रिंग योर ओन एक्सपीरियंस इन योर क्वेश्चन, एंड वेन रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन आई ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग एंड आई ऑल्सो I am able to give you more. But जब तक मैं लेक्चर करूँ तब तक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चाहे क्वेश्चन अपने नोट करते रहिए लेकिन खामोशी से सुनिए, बिकॉज आई विल लीव एट लीस्ट 20-25 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे में 1:15 शार्प या 1:15 से भी 5 मिनट आगे पीछे वी वुड लाइक टू एंड, सो दैट यू कैन गो अहेड फॉर योर फ्राइडे प्रेयर्स। So let's now spend around a few 7-8 minutes on the history of planning in Pakistan. इसमें मैं आपके आगे यही खिदमत में अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान came into being in 1947, and when Pakistan came into being,
तो वेस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ पाकिस्तान दैट वॉज ए अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया दैट वॉज नॉट अ हाईली डेवलप्ड पार्ट इट वॉज अ पुअर अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया Karachi, the only port had around maybe 4 lakh population or 5 lakh population, maybe less. Compared to Madras, Calcutta, and Bombay, it was small city. Nothing compared to what was already there in a developed form in United India. And the capital of United India was Delhi. So Delhi bhi wahan reh gaya. Or probably the most important big city of province of Punjab ki jab saltanat wagaira bhi jab bani. तो इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम थी एग्रीकल्चर भी अंडर डेवलप था इंडस्ट्री है ही नहीं थी एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ फैक्ट्रीज कोई टेक्सटाइल में और एक सीमेंट में यहाँ फैक्ट्रीज आई कोई नहीं थी नो इंडस्ट्री यू डोंट माइंड अगर आप अपनी वीडियो काइंडली बंद कर देना तो आवाज सही आएगी काइंडली ये बस माजर के साथ मैं सबके माइक म्यूट कर देखें ये मेरी वजह नहीं होगी मैं ये वजह ये है कि आप में से कुछ लोगों के माइक्स खुले हुए हैं तो सेंट्रली माइक्स ऑफ करवा दें सर थैंक यू जो आवाज है वो आवाज आप सर बिलाल साहब से कह के माइक्स ये आप सब अपने माइक को म्यूट करने किए हुए आपको सर हमने किए हुए हैं आप सेंट्रली करवा दें बिलाल साहब से कहें जी जी बिलाल साहब आप सुन रहे हैं ये कहते हैं मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही बाज लोगों को तो मुझे बताएं मैं क्या करूं जिससे आवाज ठीक हो जाए वुड यू हेलो पार्टिसिपेंट के सर माइक बंद करवा दें सबके मुझे तो यही वजह नजर आती है आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरी आवाज ठीक ना जा रही हो आवाज आपकी सर सही आ रही है लेकिन बाज दोस्तों के माइक ओपन है तो इस वजह से वो डिस्टॉर्शन साउंड में पैदा होती है तो लिहाजा सब के फिर बंद कर मुझे आवाजें फाइल बंद कर लोग बोल मुझे खुद आवाजें आ रही हैं मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बीच में लोग बोल रहे हैं इसका मतलब लोगों ने म्यूट नहीं किए हुए अपने माइक लोग माइक ऑन करके वो बैठे हुए हैं और उनको किसी कहां से बच्चों की आवाजें आ जाती हैं कहीं से और घर में कुछ तो सो यू नो आप मुझे बता दें हाउ शुड आई गो अबाउट मैं उस तरह कर लेता हूं मेरा मसला तो मुझे नहीं लगता मैं क्या अपना माइक बंद कर दूं तो मेरी आवाज आ जाएगी आपका जी कैरी ऑन सर जी कैरी ऑन ऐसे उनके माइक ऑफ करवाते हैं माइक तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप में से जिन्होंने अपने माइक खोले हुए हैं उनको म्यूट कर लें फॉर गॉड्स तीन बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े थे टू थ्री इश्यूज वर वेरी वेरी बिग द बिगेस्ट इशू वॉज देयर सिक्योरिटी And security, why? Because Pakistan had been created in the teeth of very strong opposition by the Indian National Congress. And not just Indian National Congress, but there were many Muslim leaders and Muslim parties who had opposed the creation of Pakistan, which included Ghaffar Khan's party, Saradi Gandhi, jo kehlate the, and which included, let's say, Abul Kalam Azad, jo Congress ne apne president banaye hue the. Aur Congress kehti thi, ji, Musliman to humari party mein shamil hai, to aapko Muslim League ki kya zarurat hai. और भी बहुत रिलीजियस पार्टीज दूसरे ग्रुप्स थे ऊपर अपोजिंग कायदे आजम और जो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे सो यू नो व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इट केम इनटू बीइंग इन द टीथ ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन कांग्रेस जो कि मदरलैंड इंडिया को डिवाइड नहीं होने देना चाहती थी और उनके बहुत से लोग अलाइज बने हुए थे मुसलमानों के अंदर भी और इट वॉज अ मिरेकल मैंने हिस्ट्री अब बहुत पढ़ी है रिटायरमेंट के बाद क्योंकि मैं पढ़ाने लिखाने से बिजी हो गया मैंने सरकारी नौकरियां नहीं की तो मैं ये समझता हूँ कि इट वॉज अ मिरेकल दैट गॉड क्रिएटेड अ पर्सनैलिटी लाइक कायद आजम एट दैट टाइम कि जिसने जिसको समझ आ गई कि मुसलमानों के हालात यूनाइटेड इंडिया में सुधर नहीं सकते अगर जब तक हम अपना होमलैंड नहीं लेंगे एंड जो वो चट्टान की तरह फिर वो खड़ा हो गया इस डिमांड के ऊपर और अल्टीमेटली अंग्रेजों को और कांग्रेस को पाकिस्तान की डिमांड कंसीड करना पड़ी तो जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त भी व्हाट आई हैव रेड इज दैट इंडियन कांग्रेस लीडर्स वर ऑफ द व्यू कि 6 महीने में ये फेल हो जाएगा दिस कंट्री विल फेल इन 6 मंथ्स और ये दोबारा शामिल हो जाएगा और वो उस तरफ काम भी करने लग गए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कश्मीर का प्रॉब्लम एक क्रिएट किया दूसरा जो सेटल्ड मैटर्स थे
जो हमें पैसे मिलने थे यूनाइटेड नियम एज अ शेयर ऑफ पाकिस्तान, या हमें असले में और फौज में आर्मी में इधर उधर चीज़ों में हमें शेयर मिलना था, वो उन्होंने नहीं दिया आइडिया। और मैं आपको रिकॉल ये कराऊँ कि गांधी की जो किलिंग है, मर्डर ही उस वक्त हुआ व्हेन गांधी हैड स्टार्टेड मरण बर्थ हंगर स्ट्राइक टिल डेथ डिमांडिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट के जो पाकिस्तान का शेयर है जो अंग्रेज हुकूमत के साथ मिलकर लिखकर पढ़ता है हुआ वो पाकिस्तान को दें आप। और उस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक के को 55 करोड़ रुपए, उस वक्त 55 करोड़ रुपए आज के पता नहीं कितने अरब रुपए बनते होंगे, वो इंडिया ने रोके हुए थे, वो दिल्ली के अंदर रोक के बैठे हुए थे। सो पाकिस्तान की हर चीज स्क्रैच से बननी थी, इंडिया को एक बना बनाया मुल्क और बनी बनाई हुकूमत मिली। तो आप ये गौर करें कि जो लोग फिर पाकिस्तान में शिफ्ट किए, सिविल सर्वेंट्स, आर्मी के लोग और लोग जो हैं, और 80-90 लाख रेफ्यूजीज भी आए, उनको भी सेटल करना, सो देयर वर ह्यूज प्रॉब्लम्स। एंड आफ्टर वन ईयर कायद आजम ऑल्सो कुड नॉट सर्वाइव, ही डाइड आफ्टर अबाउट वन ईयर, 1 साल 11 महीने। तो उन हालात के अंदर जो भी हमारे लीडर थे उस वक्त, उनके सामने ये दो मसाइल पड़े, हाउ टू सिक्योर पाकिस्तान, नंबर टू पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड था, पुअर था, हाउ टू एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट पाकिस्तान में कैसे तेज तरक्की कैसे इख्तियार की जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि सिर्फ इंडिया से हमें खतरा नहीं था, फ्रॉम डे वन अफगानिस्तान वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, फ्रॉम डे वन अफगानिस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क था, और उस वक्त भी वो इंडिया के साथ मिले हुए थे सारे, और ये सरहदी गांधी जो अभी दफन भी उधर ही हुए जलालाबाद में। यूनाइटेड नेशन में सिर्फ एक मुल्क ने हमारी जो दरख्वास्त थी टू एंटर इनटू यूनाइटेड नेशन बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड, सिर्फ एक मुल्क ने मुखालफत की 1947 में, एंड दैट कंट्री वाज अफगानिस्तान, आप ये इमेजिन करो। और बहरहाल उधर अफगानिस्तान, इधर इंडिया, अंदर भी लोग कई मुखालिफ। तो उन हालात में पाकिस्तान के लीडर्स ने ये दो जो एम्स थे इनको हासिल करने की कोशिश की कि हाउ टू पोल्स्टर, how to strengthen our defense and how to start developing a planned development, tez accelerated development kaise kare. to uske liye unhone jo idhar udhar dekhna shuru kiya ki hame madad chahiye, bagair madad ke hum nahi kar sakte, to they approached USA. why USA? because 1945 mein, after the end of world war 2, USA had emerged as the sole superpower in the world. rus to baad mein develop ho gaya USSR, but 45 के इमीडिएटली बाद, और रूस डिस्ट्रॉय भी बहुत हुआ जर्मनी से लड़ाई में, तो यूएसए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यूएसए ने तो अटैक नहीं हुआ कोई, तो यूएसए इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर 45 के बाद। 47 में, 48, 49 में पाकिस्तान ने इधर उधर देखा तो दे स्टार्टेड अप्रोचिंग यूएसए कि आप हमें मदद दें। तो लेकिन 49 से लेके 52 तक यूएसए डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, और यूएसए उस दौरान इंडिया की तरफ भी और इधर उधर देखता रहा कि इंडिया बड़ा मुल्क है, हम उनके साथ चले जाएं पाकिस्तान। तो बट पाकिस्तान केप्ट ऑन लुकिंग एट यूएसए कि दे शुड हेल्प मी। तो 52 में इन यूएसए देयर वाज अ न्यू रिपब्लिकन पार्टी जो इलेक्शन में इमर्ज हुई, 52 तक डेमोक्रेट थे और हैरी ट्रूमैन था, वो चला गया 52 के बाद। जनरल आइजनहावर, leader of the Republican Party, was elected as president of USA. And at that time, around 1953, the USA started responding positively to Pakistan's request. So 53-54 mein phir Pakistan aur USA ke alliances aur agreements hona shuru hua. Aur wo alliances aur agreements do kism ke the. Ek to unhone hamari defense ko strengthen karne ke liye hame imdad di, jiske andar army ko asla wagaira, टैंक्स, तोपखाना चीज़ें, और हमारी एयरफोर्स को भी उन्होंने यानी बोल्स्टर किया। तो उसके अंदर ये जो सेबर आप जेट, ये अमेरिका का उस वक्त मोस्ट एडवांस, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जेट था वो, तकरीबन 100 के करीब सेबर जो उनके वहाँ फारिग हुए थे कोरियन वॉर से, उन्होंने पाकिस्तान के वाले कर दिए। और 65 की वॉर में दिस वॉज द मेन स्टे ऑफ योर एयरफोर्स, F-86 जैसे कहते हैं सेबर। उसके अलावा उन्होंने, आप नोट करें कि F-104 जो स्टार फाइटर अपना दिया, वो दुनिया का एडवांस तरीन फाइटर प्लेन था, फाइटर बॉम्बर स्टार, और वो आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार पहला जहाज था जो अमेरिका ने बनाया हुआ, वो भी आपको उसने 2 स्क्वाड्रन या 1 स्क्वाड्रन वो भी।
तो ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब हम उनके अलायंस में चले गए तो दे नॉट ओनली प्रोवाइडेड अस हेल्प फॉर आवर डिफेंस बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू माई टॉपिक इज कि उन्होंने हमें कहा कि हम आपको इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की हेल्प भी करेंगे. तो हमने हमारे पास, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वी हैड लॉट ऑफ गुड मैन पावर, वी हैड ब्यूरोक्रेसी में प्रोफेशनल्स ट्रेन बाई ब्रिटिश सिविल सर्विस के जो ICS से यहाँ CSP बन के आगे हुए थे. वी हैड गुड नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, पढ़े लिखे लोग भी थे हमारे पास, तो वो जो यहाँ शिफ्ट करके माइग्रेट करके दे हैड डिसाइडेड टू कम टू पाकिस्तान. सो उन्होंने जो इकोनॉमिक हेल्प हमें करनी थी उसमें वो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठे और उन्होंने अमेरिकन USAID ने ये किया कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी है उनकी बहुत फेमस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच वॉज एन ओल्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, उसके उसने जो इकोनॉमिस्ट थे, डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स थे, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के एक्सपर्ट के साथ मिलके उनको तेज तरक्की करने का कोई सिस्टम, कोई निज़ाम बना के कि वो कैसे तेज तरक्की और बैलेंस तरक्की, दो चीज़ें, फास्ट डेवलपमेंट, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट एंड बैलेंस डेवलपमेंट, जिसमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर साथ साथ डेवलप करें, बिकॉज पाकिस्तान वॉज आफ्टर ऑल बुनियादी तौर पर एक एग्रीकल्चर कंट्री थी. तो ये जो हार्वर्ड को जो कॉन्टैक्ट मिला, तो हार्वर्ड का हिस्ट्री में ये फेमस है, आप गूगल करेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. एक ग्रुप वजूद में आया जिसको कहा जाता है हिस्ट्री में हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप, हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप HAG, और ये ग्रुप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के साथ बैठा 53-54 में, और इन्होंने ये जो निज़ाम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये निज़ाम उन्होंने वज़ा किया. दिस सिस्टम ऑफ प्लान डेवलपमेंट and the institutions for helping Pakistan to develop in a planned manner, accelerated development, balanced development, ye institutions unhone create kiye, ye kahin se copy nahi kiye gaye, they were not copied from here and there, they were designed for Pakistan, Pakistan ke halaat ko samjhe, aur uske baad jo kuch hua wo aapko pata hi hai, 10-15-20 saal itni tez tarakki ki Pakistan ne ki taqreeban सारी दुनिया से जो आप हिस्ट्री में अभी पढ़ते हैं कि लोग यहाँ सीखने आते थे कि 6-8% ग्रोथ रेट पाकिस्तान और तेज तरक्की कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड दे लर्न फ्रॉम आवर प्लानिंग सिस्टम. तो ये उसका नतीजा ये हुआ कि हमने एक प्लानिंग सिस्टम क्रिएट किया 1954 के लगभग और उसको 1955 में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. उस प्लानिंग सिस्टम के 3-4 खदोखाल मैं आपसे शेयर करके अपनी स्लाइडों पर चला जाऊंगा. एक तो उन्होंने कहा जी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए 15 साल, उसको परस्पेक्टिव प्लान उन्होंने कहा कि आपको 15 साल तक होराइजन देखना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं. दूसरा उन्होंने कहा आपकी बैलेंस तरक्की होनी चाहिए इंडस्ट्री एग्रीकल्चर साथ साथ, और इंडस्ट्री भी आप ज़्यादातर ऐसी बनाएं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, क्योंकि आपकी कॉटन की प्रोडक्शन है, मेज़ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट भी करते हैं, राइस भी प्रोड्यूस हो सकता है, शुगर केन भी हो सकता है, तो ये चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री में भी काम आती हैं. शुगर केन से शुगर बनती है, कॉटन से आपको पता है बहुत कुछ बनता है, नॉट जस्ट क्लॉथ बट देन यू कैन गो ऑन यार्न क्लॉथ, फिर मेड अप गारमेंट्स, क्या क्या कुछ नहीं आप बनाते. तो ये चीज़ें उन्होंने जो लर्न की हमारे लोगों ने, प्लस उन्होंने कहा कि तेज तरक्की के लिए यू शुड क्रिएट प्लानिंग डिवीजन इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट्स जो तरक्की को कोऑर्डिनेट करे प्लानिंग डिवीजन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ इन दी प्रोविंसेस. तो लिहाजा उस वक्त आपको पता है वन यूनिट तो नहीं था, सारे सूबे थे जैसे अब भी हैं, वन यूनिट तो बना है आगे जाके तकरीबन 1959-60 उसमें, लेकिन ये जिस वक्त ये निज़ाम बना है तो उसमें हर सूबे के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट बना और फेडरल गवर्नमेंट में प्लानिंग डिवीजन बना, और इस वक्त तक ये सिचुएशन चली आ रही है. देयर इज अ प्लानिंग डिपार्टमेंट, सो पंजाब में भी देयर इज अ PND डिपार्टमेंट, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स का काम था अपनी जो तरक्की और अपने प्लान्स को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना, एक हारमोनियस और कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ाना. और फिर ये भी कहा गया कि आप 5 साल प्लान बनाया करें और उस 5 साल मनसूबे उसके अंदर एनुअल प्रोग्राम, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि उन्हीं मंसूबे 5 साल मंसूबे की तकमील का पहला साल फिर दूसरा साल फिर. तो लिहाजा आपके नज़र में होगा कि 15 साल में हमने कहाँ जाना है, फिर 5 साल के अंदर आपने क्या करना है, 5 साल के अंदर फिर डिटेल्ड प्लान, एनुअल प्लान सालाना फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, और उसके अंदर क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो हमें वहाँ तक ले जाए,
15 साल प्लान की तरफ। तो ये चीजें उन्होंने सेट करके दी और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1954-55 से एक प्लानिंग डिवीजन इस्लामाबाद में, जिसमें लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स और हमारे जो पढ़े लिखे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ब्यूरोक्रेट थे, सीएसपी क्लास के भी और दूसरे भी, वो और सूबों के अंदर भी और सिविल सर्विस के भी लोग और एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट, ये वो इकट्ठे मिलके काम करने लगे। तो इसका नतीजा ये निकला कि 55 से 60 में देर वी इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, 60 to 65 सेकेंड फाइव ईयर प्लान, 65 to 70 थर्ड फाइव ईयर, कि ये तीन जो फाइव ईयर प्लान थे ये बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए, खासतौर पर जो पहला था और दूसरा था, दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड पाकिस्तान अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6-8% पर एनम। और उस वक्त पाकिस्तान बिकेम ए शोकेस कि कैसे तरक्की की जाती है, नए आज़ाद मुल्क कैसे जल्दी तरक्की कर सकते हैं। एंड एट दैट टाइम देर वर पीपल हु यूज्ड टू कम एंड लर्न फ्रॉम अस, पीपल वुड कम फ्रॉम मलेशिया, पीपल वुड कम फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन मुल्कों से लोग यहाँ सीखने आते थे, अफ्रीका, इवन स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पढ़ने आते थे। और लिहाजा हर चीज़ अपग्रेड होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ भी और इरीगेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऐसे इदारे बन गए, वापडा आपको पता है 1957-58 में अथॉरिटी क्रिएट हुई, डैम्स इंडस बेसिन ट्रीटी में ये बड़े बड़े जो मंगला थरबेला और उससे पहले वर्सक डैम सबसे पहले बना, जो शायद आप में से किसी ने देखा हो, नहीं देखा तो वो भी एक चाहे छोटा डैम है बट इट्स अ वंडरफुल फीट ऑफ इंजीनियरिंग, सूबा सरहद के अंदर जो बना, वो 57-58 में बना, मंगला को 60-61 में बना और तरबेला जो है वो 72-73 तक तैयार था, बन गया हुआ। तो दिस इज व्हाट हैपेंड, सो पाकिस्तान बिकेम अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम, एंड दिस सिस्टम वाज नॉट पिक्ड फ्रॉम एनीवेयर एंड इम्प्लीमेंटेड इन, नो, दिस सिस्टम वाज इवॉल्वड एंड डिवाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ हार्वर्ड एक्सपर्ट्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स हू केम हियर as a result of our alliance with the USA. ये basically मैं आपको समझाना चाहता था। अब उस निज़ाम के अंदर बहुत सी चीज़ें बनाई गई और उस निज़ाम की ये जो मैं feasibility of government sector projects है, ये भी उसी निज़ाम की पैदावार है कि government sector project की feasibility कैसे देखी जानी चाहिए। और सो लिहाजा this is where I will start my slides. इसमें सबसे पहले ऑल्दो मेरा टाइम ज़्यादा लग गया है बैकग्राउंड पे, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये ऐसे ही किसी ने बैठ के बना नहीं दी है और इसके पीछे अब हिस्टोरिकल यू नो एक्सपीरियंस है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। और जो आप सवाल करेंगे आपको मैं बताऊँगा कि बातें हमारे इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। इसमें पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, वो ये है कि प्रोजेक्ट आप कहते हैं किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को जिससे कोई आप स्पेसिफिक बेनिफिट सीख करना चाहें इन ए स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये तीन इंग्रेडिएंट्स अजा होना बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कि आपको पता हो कि टोटल कितने पैसे खर्च होंगे, नंबर वन, नंबर टू उससे क्या फवायद हासिल करेंगे आप और कितने पीरियड में वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं आपको ज्यादातर मिसालें आपके अपने जो कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल लेके दूंगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग ए कॉलेज एज ए प्रोजेक्ट, तो देन यू नो कॉलेज को जब आप प्रोजेक्ट के तौर पे कंसीव करेंगे तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा जी इस पे खर्चा क्या आएगा, जमीन और पैसे कितने लगेंगे और कंस्ट्रक्शन पे कितने लगेंगे और चीजों पर कितने लगेंगे, टोटल क्या लगेगा और इसके फायद क्या होंगे, क्योंकि जब तक आपके पास फायदा नहीं है तो ऐसे पैसे लगाने का फायदा नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि आप जो खर्च रहे हैं जिस प्रोजेक्ट पे पैसे, उसके अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा बनने के साल दो साल बाद, कितने स्टूडेंट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसका इकोनॉमी को, सोसाइटी को बहुत बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट को बहुत, और तीसरा जो उसमें है कि किस टाइम में आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ये अप्रूवल के बाद एक साल में बनेगा, दो साल में बनेगा, तीन साल from the date of approval, how much time do you need to civil works complete karne mein, phir usko equip karne mein, phir logon ko on the job lane mein, padhane wale logon se log, and then admission khol ke uska benefit shuru ho jayega।
अच्छा, उसके प्रोजेक्ट के मुकाबले में जब आप ये लफ्ज यूज करते हैं प्रोग्राम या प्लान, तो प्रोग्राम और प्लान का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर या डेवलपमेंट प्लान के अंदर दे मे इंक्लूड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स का मजमुआ जो है उसको आप प्रोग्राम कहते हैं या प्लान कहते हैं। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम या एनुअल डेवलपमेंट प्लान मीन्स कि उसके अंदर सारे सूबे के जितने प्रोजेक्ट्स हैं शामिल होते हैं। बाज़ दफ़ा आप इस टाइप का प्रोग्राम भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बारानी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, रावलपिंडी के जो चार पांच जिले हैं बारानी, ये वो बारानी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर हो सकता है आप 8-10 किस्म के प्रोजेक्ट शामिल करें, छोटे छोटे डैम्स भी शामिल करें, स्मॉल डैम्स जो बारिश होती है रन ऑफ वाटर को कहीं इकट्ठा करके किसी स्ट्रीम को रोक के आप, और फिर उसकी मदद से आप वहाँ कमांड एरिया डेवलप कर सकें जिसमें आप कुछ चीज़ें उगा सकें, क्योंकि वहाँ बरानी एरिया में मैनी एरियाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर कैन नॉट ग्रो एनीथिंग, एंड इफ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वाटर इज मेड अवेलेबल तो दे कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर एंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इवन फ्रूट्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पता नहीं क्या क्या आप लगा सकते हैं चीज़ें, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास वो कमांड एरिया जिसमें आप पानी कहीं से ले सकें। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह बरानी एरिया का कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें आप और चीज़ें, आप लोगों की इनकम इंक्रीज करने के पोल्ट्री फार्म्स के लिए, या बरानी एरियाज में मवेशियों का बहुत काम हो सकता है, आप चरा सकते हैं मवेशियों को खुले एरिया में, जब बारिश होती है बहुत हरियाली हो जाती है, यू कैन ग्रो फॉडर ऑल्सो। तो इस तरह के आप 3-4-5 प्रोजेक्ट्स जिससे बरानी एरिया डेवलप, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव एज एन एग्जांपल के प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट, प्रोग्राम या प्लान का मतलब होता है जिसमें कई प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो एक ही एरिया से रिलेटेड हो या चाहे पूरे वो सूबे से रिलेटेड हो। तीसरी जो चीज जो मैं बात कर रहा हूँ इस स्लाइड में, वो ये कह रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्राम या प्लान की सक्सेस जो है वो इस पे डिपेंडेंट होती है कि आपने उसके अंदर साउंड अच्छे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हो, और सिर्फ रखना जरूरी नहीं है कागज में, उनको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। ठीक है जी, लेट्स गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जो निज़ाम वो 53, 54, 55 में नाफिज किया गया बहुत सोच विचार के बाद, जो आज तक चल रहा है, वाई? बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, और जो कागज बने हुए हैं, परफॉर्मेंस बने हुए हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो वो उसमें उन्होंने उस जमाने में आप सोचें सोच समझ के 5 परफॉर्मेंस डिवाइस किए विच रिप्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट साइकिल, और प्रोजेक्ट साइकिल आपको ये जब मैं परफॉर्मेंस डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट डू आई मीन बाय प्रोजेक्ट साइकिल। तो ये परफॉर्मर्स होते हैं फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट साइकिल में पहली जो स्टेप होती है वो ये होती है कि आपको कंसीव करते हैं कि ओके फलानी जगह में ये 2-3 लाख आबादी है, इसके करीब कॉलेज कोई नहीं, तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्शन आता है कि यहाँ कॉलेज की जरूरत है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक PC1 प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका प्रपोजल बनाते हैं, उसको PC1 कहा जाता है, एंड PC स्टैंड फॉर प्लानिंग कमीशन, P और C का मतलब है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का परफॉर्मर नंबर 1, उस पर आप कॉलेज को प्रपोजल को लिखते हैं कि कौन बनाएगा, क्या कॉस्ट होगी, कहाँ बनेगा, क्या फ़ायदे होंगे, कौन लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे, किस काम के लिए, इसका एनुअल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये चीज़ें उसके अंदर। फिर एक होता है PC2, और PC2 क्या होता है जी, PC2 होता है फॉर फिजिबिलिटी सर्वेज, और अगर आप फिजिबिलिटी सर्वे खुद ना कर सकते हो तो आप कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हो, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ PC2। PC2 इज अ मच स्मॉलर परफॉर्मर देन PC1। PC2 में आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आप फॉर एग्जांपल आपको जरूरत है और कोई ऑर्डर आया हुआ है कि आप फलाने एरिया में कॉलेज बनाए, तो अब उस एरिया में कौन सी मौजूद जगह है कॉलेज बनाने की, और कॉलेज डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिलहाल वो इंटर लेवल का कॉलेज हो,
ये चीजें तय करने के लिए कॉलेज की कैपेसिटी कितनी हो, आया इस कॉलेज में लोग आएंगे भी पढ़ने तो कहां कहां से आएंगे, ये सारी चीजें आपको ख्वाब नहीं आएगा, ये इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ता है या करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, आप जब सवाल करेंगे आपसे बातें होंगी। लेकिन ये पीसी टू इसलिए बनाए कि अगर डिपार्टमेंट ये मुनासिब समझता है कि कहीं बनाने से पहले मंसूबे को वो सर्वे करे, सर्वे करके जिसमें वो जो लोग जिनके बच्चों ने उधर पढ़ना है उनसे भी मशवरा करे, और वो सर्वे करने के लिए अगर उसके पास अपने एक्सपर्ट्स नहीं है तो इट कैन ऑल्सो हायर कंसल्टेंट्स जिनको वो पैसे दे के सर्वे करा सकता है। तो लिहाजा आपने जो बाद में 5 या 10 या 15 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए 10-15 लाख-20 लाख खर्च के फिजिबिलिटी सर्वे करना, आपके अपने लोग हैं तो उनको भी ट्रैवलिंग वगैरह वहाँ रहने और सर्वे करने के लिए जो पैसे, या कंसल्टेंट को दे के आप सर्वे कराना चाहते हैं, तो ये आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप पी सी टू बनाते हैं, और वो पी सी टू भी उसी फोरम के पास लेके जाते हैं जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, PDWP या आपकी जो डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, और उससे आप अप्रूव कराते हैं पी सी टू कि जी मुझे इससे पहले कि मैं ये प्रोजेक्ट को पी सी वन बनाऊँ मैं सर्वे करना चाहता हूँ, या मैं किसी कंसल्टेंट से मशवरा चाहता हूँ, और उस कंसल्टेंट्स के मशवरे या फिजिबिलिटी सर्वे पे इतने पैसे लगेंगे, वो पैसे आप अप्रूव कराते हैं, वो पैसे आप लेते हैं, वो ले के फिर आप ये चीज़ करते हैं। लिहाजा ये पी सी टू ऑल दो 1 के बाद 2 आ रहा है नंबर, लेकिन ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिन पे आपको सर्वे रिक्वायर्ड है, आप समझते हैं कि मुझे करना ज़रूरी है या कंसल्टेंट से कराना ज़रूरी है, आप पी सी वन से भी पहले ये काम करते हैं और फिर वो कंसल्टेंट की रिपोर्ट या अपने सर्वे के रिजल्ट की बेस के ऊपर आप पी सी वन बनाते हैं, और रिजल्ट आपको बताता है कि आपको किस किस्म का प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाना चाहिए, किस साइज़ का बनाना चाहिए। तो लिहाजा ये आप जेहन में रखें कि ये दो। मैं आपको पी सी टू के बारे में ये भी बताता चलूं कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन एड अरेंज करनी हो और आपको पता हो कि ये फॉरेन एड अवेलेबल है, कुछ आपसे इनफॉर्मल बातचीत भी हो रही हो किसी बैंक में से, वर्ल्ड बैंक की, एशियन बैंक की, किसी और इदारे में, डिफिट की जो यूके का इदारा है, यूनिसेफ की, यूनेस्को की, यूरोपियन यूनियन की, बहुत सारे इदारे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है, तो आप पहले उसी अथॉरिटी के पास जाते हैं जिसने मंसूबा अप्रूव करना होता है अल्टीमेटली, और कहते हैं कि जी मैं आपसे ये भी इजाज़त चाहता हूं कि मैं इस मंसूबे के लिए फॉरेन एड निगोशिएट कर सकूं, फॉरेन एड की डिस्कशन कर सकूं, फलाने एक दो अदारों का आप नाम भी लेते हैं, और वो लिहाजा ये इसको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कहते हैं। आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस फॉर ए प्रोजेक्ट एंड फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन एड फॉर दैट प्रोजेक्ट, वो भी पी सी टू की मदद से करते हैं। पीसी टू में आप ये चीज डाल के ये अप्रूवल लेते हैं और उसी फोरम से आपको ये असल में एक्चुअली तो फॉरेन एड वाला कॉन्सेप्ट क्लियरेंस फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि ये जितने एशियन बैंक वगैरह ना ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू इमदाद देते हैं, क्योंकि इन्हें फेडरल गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी लीगल चाहिए होती है, ये जो चीज़ें लोन या ग्रांट के तौर पर देते हैं कि जी ये पाकिस्तान इसको वापस करेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इसलिए फॉरेन एड का हर मैटर जो है फेडरल गवर्नमेंट में भी क्लियर होता है जाके। सोच लें कि फिजिबिलिटी आपने सर्वे करा लिया, कंसल्टेंट से करा लिया, उसकी बेसिस पे यू हैव प्रिपेयर्ड अ पीसी वन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उसके पैसे रिलीज हो गए, उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया, ठीक है, तो फिर अगली स्टेप क्या होती है जब काम शुरू हो गया और आपने ये कहा कि जी 2 साल में ये मंसूबा बनेगा, तो फिर आपको तकरीबन हर महीने या दूसरे तीसरे महीने आपकी जिम्मेदारी होती है टू ऑब्टेन प्रोग्रेस रिपोर्ट मंथली और एनुअल, हर महीने की भी आती रही और एनुअल भी आए, उसके लिए भी परफॉर्मा मौजूद है, पी सी थ्री उसे कहा जाता है। सो पी सी थ्री परफॉर्मे के ऊपर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट का फायदा ये होता है आपका जो महकमा जो ओनर है और उस महकमे में जो डेवलपमेंट से डील करने वाले एडिशनल सेक्रेटरी हैं या DPI के जो स्टाफ वाले लोग हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आए, उनको पता चलता रहे कि इज द प्रोजेक्ट बीइंग स्मूथली इंप्लीमेंटेड, स्मूथली हो रहा है या कहीं रुक तो नहीं गया, और रुक गया तो उसकी वजह क्या है, और अगर रुकने की वजह आपको इन टाइम पता चल जाए देन हेल्प इन रिमूविंग दैट ऑब्स्टिकल।
सो दैट वो प्रोजेक्ट किसी छोटी फजूल सी वजह की बेसिस पे रुका ना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी ट्रेजडी है कि वो प्रूव करके इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके बाद लोग सो जाते हैं और बहुत देर हो जाती है जब पता चलता है जी वो तो जी चार महीने से काम रुका हुआ है, क्योंकि उसमें मे बी ठेकेदार भाग गया है या उसके अंदर कोई जमीन का झगड़ा पड़ गया है या उधर कोई किसी ने कोर्ट से स्टे ले लिया और वो चार महीने तक किसी को पता ही नहीं कि जी मैं इसको इस ऑब्स्टेकल को रिमूव करो सो दैट द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अगेन पुट इन इट्स प्लेस और उतनी देर में इसके पास जो पैसे मुख्तस हुए हैं उनको इधर उधर ही अप्रोप्रिएट कर दूँ ताकि वो लैप्स ना हो। तो लिहाजा यू कैन इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट इज, मंथली भी और एनुअल भी, और इसका पर्पज ये अगली स्टेप प्रोजेक्ट साइकिल में क्या होती है, क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, फर्स्ट कर आपने फिजिबिलिटी सर्वे कराया उसकी बेस पे पी सी वन भी बना, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाए तो देन देयर इज अनदर परफॉर्मा व्हिच इज नोन एज PC4 एंड PC4 रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीशन रिपोर्ट, उसके ऊपर कंप्लीशन रिपोर्ट बनती है एंड दैट कंप्लीशन रिपोर्ट इज देन प्रेजेंटेड टू अ कमेटी इन द PAD डिपार्टमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट इस पर्पज के लिए हुई है कि कंप्लीशन रिपोर्ट उस कमेटी में पेश हो जिस महकमे का प्रोजेक्ट है वो भी आते हैं, फाइनेंस के नुमाइंदे भी आते हैं, PND के भी बैठते हैं एंड द कमेटी इज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी प्लानिंग और वो कमेटी जब कंफर्म कर लेती है मिनट हो जाते हैं रिकॉर्ड हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, इसकी बिल्डिंग बन गई है, इसका इक्विपमेंट भी ऑर्डर प्लेस है, आ रहा है, लग रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, लैब लाइब्रेरी ये वो, और तो लिहाजा वो कंप्लीशन रिपोर्ट उधर जब ऑन हो जाती है सब कन्फर्म कर देते हैं तो फिर दैट बिकम्स अ बेसिस कि आप फाइनेंस के पास जाके उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो जिसे आप SNE कहते हैं न्यू एक्सपेंडिचर वो आपको डेवलपमेंट साइट से नहीं मिलते, आपने जो अमला लेना है पोस्टें क्रिएट कराना, उनकी तनख्वाहें फिर देना, उसके बिजली के बिल देना, उसके और अखराजात लेना जो डेवलपमेंट के नहीं जो नॉन डेवलपमेंट में आपको मिलने हैं, जो बजट होता है आपका बजट लेना जिसे आप कह लें टेकिंग बजट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, उसके लिए यू नीड द कंप्लीशन रिपोर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट and that completion report is prepared on a PC4 performa. So, ye zehn mein rakhiya. Iske baad ek aur performa hai, PC5 usse kehte hai. Ye bahut kam logon ko iske baare mein pata hai. Lekin ye bhi badi zabardast ek cheez hai. Aur ye project cycle ko complete kar deta hai. Isliye ke planner jo hai, jisne plan kiya ek project phir implement kiya, usko lessons bhi learn karna hote hai. Ki jab usne ye project implement kiya, to isse usne sabak kya seekha. Aap har kaam jo karte hain, usse koi na koi sabak bhi seekhte hain. कई लोग नहीं सीखते लेकिन अकलमंद लोग जो हैं उससे सबक हासिल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक सड़क पे जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं इस सड़क पे ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मुझे 30 मिनट की बजाय 40 मिनट लगते हैं, आप एक और रूट ढूंढ लेते हैं जिसपे 30 मिनट या 25 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। तो ये सबक होता है, एक एक जो आपने काम किया उसमें आपका सबक क्या है ताकि आइंदा आने वाले मनसूबों के लिए आपको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है PC5 की, और वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल कॉलेज की क्या होगी, और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट 5 साल तक कॉलेज जब बन जाए और चलना शुरू हो जाए उसके हर साल बाद ये बनानी चाहिए, और जब 5 साल गुजर जाए तो एक आखिरी 5 साल रिपोर्ट बनानी चाहिए कि जी अच्छा ये PC1 के अंदर कॉलेज जब बनाया गया और इस कॉलेज में जैसे पहले स्लाइड पे आपको कहा था कि बेनिफिट्स इस कॉलेज में PC1 में लिखे जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि इस कॉलेज में जी 400 स्टूडेंट्स हो जाएंगे पहले साल में इतने दूसरे में इतने तीसरे में जब सारी क्लासें पूरी होंगी 400 और ये होगा और वो होगा, आप उसमें बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं बाज़ बाज़ जैसे ये ऑरेंज ट्रेन जब इन्होंने बनाई तो इसमें वो ज़मीन आसमान के या 4.25 लाख के 4 लाख लोग रोज़ इस पर सफ़र करेंगे, वो 50-60 हज़ार से ज़्यादा भी सफ़र नहीं करेंगे। अब उसको जो एवेल्यूएशन करेगा PC5 पे वो तो बताएगा ना, कहेगा जब इन्होंने अप्रूवल कराया तो इन्होंने अप्रूवल करने वाले अथॉरिटीज़ को कहा कि जी इसके तो ये फ़ायदे होंगे लेकिन इसका एक्चुअली ये फ़ायदे नहीं हो रहे, उसके मुकाबले में ये दूसरी जो चल रही है गजुमता से शाहदरा तक इसमें मुझे पता है कि जितने इन्होंने कागज़ पर लिखे थे उससे भी थोड़े से ज़्यादा मुसाफर जा रहा है, ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे चलती है, खचाखच भरी होती है, सुबह से रात तक भरी होती है, तो लिहाजा वो आपको पता चलता है एवेल्यूएशन के वक्त कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग,
हमने प्लानिंग के वक्त क्या गलती की, हम बड़ी बड़ी ये मोटरवेज और सड़कें बना के डिंगे मारते हैं, लेकिन इनके ऊपर आप इवन पिंडी लाहौर मोटरवे पे आप वीकडे पे चले जाए, वीकडे पे दिन के दौरान वो आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी, इसका इतना इस्तेमाल ही नहीं अभी तक, जैसे दुनिया की और मुल्कों में इतनी महंगी मोटरवे आप बनाते हैं उसका उसकी ट्रैफिक डेंसिटी होती है बड़ी। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट इसलिए होती है कि वो मंसूबा जिन्होंने बनाया इम्प्लीमेंट किया उनको वो ये सबक हासिल हो कि उस मंसूबे की प्लानिंग में उन्होंने क्या गलतियाँ की और जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाए थे वो अचीव क्यों नहीं हुए, या ऐसे ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गए जो उनके नज़र में नहीं थे, जितना वो समझते थे उससे ज़्यादा। आपने कोई 200 या 300 स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज बनाया, अब उसमें 500 स्टूडेंट्स आ गए, तो फिर यू नो इट हेल्प्स यू प्लान कि अच्छा जी इसको एक्सपेंड करें कॉलेज को, यहाँ ये है कि अगले कॉलेज बनाने से आप केयरफुल रहें कि जी मैं अगर प्लान करता हूँ 500 के लिए तो 150 भी स्टूडेंट नहीं होते उधर, तो सो दिस इज व्हाट कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट साइकिल। आप ये देखें उस निज़ाम जो बना है उसमें परफॉर्मेंस है, बजाय इसके कि हर शख्स अपनी तरह का कागज़ बना के पेश कर दे, यू हैव टू फॉलो दैट परफॉर्मेंस, यू हैव टू पुट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मेंस। आपने PC1 का नाम सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इसलिए कि PC1 के बगैर तो ना कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है, ना उसकी फंडिंग हो सकती है, ना इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो वर्चुअली एवरीबॉडी नोज कि PC1 एक चीज़ होती है, लेकिन मैंने आपको दूसरे भी जो PC हैं उनके बारे में भी स्लाइड में बताया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, एक उन्वान मेरा ये है फिजिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो फिजिबिलिटी जो है वो जैसे मैंने ये पिछली स्लाइड आपको ये बताई, तो इसमें आपको बताया फिजिबिलिटी सर्वे, ये इससे आप फिजिबिलिटी कहते हैं कि यू इम्प्लीमेंट ओनली दैट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट विच यू फाइंड फिजिबल, फिजिबल मीन जो फायदामंद हो और जो इम्प्लीमेंट हो सकता हो। उस फिजिबिलिटी को देखने के लिए इसमें मैंने इस स्लाइड में आपको चार डायमेंशंस अप्रेज करना पड़ता है कागज के ऊपर। पहले यू हैव टू अप्रेज ए प्रोजेक्ट, अप्रेज कहते हैं असेसमेंट, असेस ए प्रोजेक्ट। और फिर मैं एक कॉलेज की मिसाल दूंगा, आपको ये हुक्म हुआ है कि ये फलानी एक नई तहसील बन गई है, ये नया जिला बना था उसमें ये नई तहसील, ये जी चकवाल है चकवाल में ये चूहा सैदन शहर बन गया है, या फलानी तहसील इधर एक और कॉलेज बना दें फलानी जगह पे, तो आप पहले उस मंसूबे का अप्रेजल करेंगे, और अप्रेजल किन एंगल से करेंगे, फ्रॉम दीज फोर एंगल्स। और कॉलेज की हद तक ये जो नंबर टू है ना इकोनॉमिक फाइनेंशियल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अप्रेजल होता है। अगर आपने कोई पावर प्लांट बिजली बनाने का लगाना है, या आपने कोई सड़क बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई और आपने ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनानी है जहाँ इंडस्ट्री ने लगना है, या आपने कोई एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक की कोई स्कीम है उसके कोई मुआशी फ़ायदे और फाइनेंशियल फ़ायदे किसानों को और गवर्नमेंट को या किस किस को पहुँचने। लेकिन टेक्निकल अप्रेजल मीन्स दैट फॉर ए कॉलेज यू हैव टू फाइंड ए प्लेस अ लोकेशन वेयर इट इज़ फिजिबल टू पुट अ कॉलेज, और उस जगह का टेक्निकल अप्रेजल आपको करना होगा कि वहाँ रोड कनेक्शन, यूटिलिटीज बिजली गैस की अवेलेबिलिटी, और ज़मीन की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। सिर्फ ये सोच के कि ये फ्री लैंड यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए मैं यहाँ बना दूँ, जहाँ ना सड़कें हो ना बिजली हो, वहाँ तो आप कॉलेज नहीं बनाएंगे, टेक्निकल अप्रेजल में आप उसे फेल करेंगे। टेक्निकल अप्रेजल में आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू प्लेस ए कॉलेज वेयर ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, एंड वेयर योर ओन सर्वे और कंसल्टेंट्स टेल यू कि स्टूडेंट्स की जो टारगेट पॉपुलेशन है वो भी करीब है और उसके लिए आना आसान है। ठीक है जी, खासतौर पर जब आप लड़कियों को कॉलेज बनाएं, यू हैव टू यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल जी, वो उसकी नीड है और कहाँ से आएंगी लड़कियाँ, और उनको थोड़ा सा उनके पेरेंट्स का सर्वे भी कि वो क्या कहते हैं। मे बी वो ये कहें जी आप उधर बनाने की बजाय ये जो हाई स्कूल है प्लीज़ आप अपग्रेडेड इनटू अ कॉलेज, इसके साथ थोड़ी और ज़मीन ले लें या इसी ज़मीन को यूज़ करके, ताकि हमारी लड़कियाँ यहाँ जा रही हैं तो यहीं जाती रहें, यहाँ आप इंटर और BA 3-4 क्लासें और ऐड कर, हो सकता है आपको ये मिले बजाय इसके कि नई जगह जहाँ वो लड़कियों के माँ बाप भेजने को, क्योंकि वो इधर यूज टू है। दिस इज वॉट इज अ टेक्निकल अप्रेजल। इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैंने आपको बताया कॉलेज या अस्पताल का ज़्यादा नहीं किया जाता, दूसरी स्कीमों का बताया जिनका किया जाता है।
फिर ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट अप्रेजल, दैट मींस के आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए जो कॉलेज आप बना रहे हैं उसको चलाने की, और आप अगर किसी ऐसे इलाके में बना रहे हैं जहां आपको पता है कि यहां तो कोई जाएगा ही नहीं, ना पढ़ाने जाएगा तो ना नौकरी करने जाएगा, धक्के से जबरदस्ती एज अ पनिशमेंट भेजना पड़ेगा, तो देन यू नो यू शुड बी वेरी सेंसिटिव टू दिस काइंड ऑफ ए फैक्टर व्हाइल सिलेक्टिंग के यहाँ कॉलेज। मुझे दो तीन लेक्चर पहले एक कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल थी, उन्होंने बताया मुझे सराय आलमगीर के पास उन्होंने एक जगह बताई जहाँ बिल्कुल एक फार फ्लंग एरिया में लड़कियों का कॉलेज बनाया गया है, जहाँ 3-4 से ज्यादा पढ़ाने वाली टीचर्स ही नहीं है, पोस्टें हैं टीचर्स नहीं जाती, लड़कियां हैं, लड़की इर्द गिर्द आबादी है, कुछ 400 लड़की उधर पढ़ने आती है, बट टीचर्स डोंट गो देयर। तो ऐसी जब आप जगह चुने तो देन यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर एंड डू सम सर्वे कि टीचर्स के लिए क्या अट्रैक्शन आप वहां रखेंगे, टीचर्स वहां जाए क्या उनके लिए, कोई मेस, कोई हॉस्टल, कोई लिविंग अकोमोडेशन, कोई ट्रांसपोर्ट, वीकेंड पे किस बड़ी सिटी आना जाना क्या करेंगे। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ, और ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट अप्रेजल से मुराद ये जिस तरह ऑरेंज लाइन है, ये क्लासिक एग्जांपल है, ये इन्होंने बना ली इधर, ये जो लाहौर में ऐसे ऊपर जाती है ऑरेंज रंग की बड़ी खूबसूरत खिलौना टाइप की, सारे लाहौर को तबाह करके बर्बाद करके बना ली, इसको चलाने की इनके पास मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कोई नहीं। ये अभी भी चाइना से लोग आके इंजन ड्राइवर्स और टेक्नीशियन आके चला रहे हैं। ये रेलवे के पास गए, रेलवे ने आके कहा हम तो ये बड़ी ट्रेन चलाते हैं, हमें किसी किस्म का तजर्बा नहीं है ये लाइट रेल एलिवेटेड रेल पोल के ऊपर चलाने, वो रिफ्यूज कर गए रेलवे वाले। तो लिहाजा दे डिडंट। दूसरी मिसाल इसकी मैं ये देता हूँ कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 डेवलपमेंट विंग चलाता रहूं, तो हम केयरफुल होते थे उस वक्त जब हम ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल उस दौर में बना था, मुझे याद है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए बहुत एडवांस्ड हमने मेडिकल इक्विपमेंट प्लान किया कि खरीदे, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है ना मेडिसिन में और मेडिकल इक्विपमेंट में, तो हर वक्त तरक्की होती रहती है, बीमारियों में भी तरक्की होती रहती है, इलाज में भी, इक्विपमेंट में भी तरक्की होती रहती है। तो आप जो नई चीज़ बनाते हैं आप कहते हैं मैं एडवांस चीज़ लेना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी था तो लिथोट्रिप्टर जो पथरी तोड़ने के काम आता है वो नई चीज़ थी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो नई चीज़ थी, जो बहुत थोड़ी एक मोरी करके उसमें कैमरा लगा होता है, ज्यादा कट नहीं लगाता सर्जरी के वक्त, वो नई चीज़ थी। अब वो दोनों चीज़ें भी ओल्ड फैशन हो गई हुई हैं, उससे और एडवांस चीज़ें आ गई, हार्ट सर्जरी और हार्ट का ये जो एंजियोप्लास्टी वगैरह बिल्कुल नई चीज़ें थी, अब वो बहुत एडवांस हो गई हुई। MRI, CT स्कैन उस वक्त सिर्फ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक होता था 60s के ज़माने का, न्यूरो सर्जरी के लिए तभी वो मशहूर है। तो फिर हमने उस अपने दौर में 4 CT स्कैन्स और लिए थे, वो हमें पता नहीं था कि जनाब अच्छा ये CT स्कैन के लिए कमरा कैसा होना चाहिए और उसकी कमरे की वॉल्स कैसी, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं था उसमें रेडिएशन को, ताकि रेडिएशन एस्केप ना करे उसमें से निकलती है, वो दीवारों के ऊपर खास कोटिंग करनी पड़ती, खास किस्म का पेंट या वॉलपेपर एक खास किस्म का लगाना पड़ता। तो ये इस किस्म की ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो लिहाजा हम बाज़ दफ़ा फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए जब हमने बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट खरीदना चाहा, तो हमने जिन कंपनियों से ये वो ख़रीदा उनके कॉस्ट के अंदर ये चीज़ डाल दी कि आप उसके आने से पहले हमारे 2-3-4 लोगों को वहीं मुल्क जर्मनी में जापान में ट्रेनिंग देंगे कि इसको कैसे चलाया जाए और अगर ख़राब हो तो कैसे इसको फंक्शनल किया जाए, मेंटेन किया जाए, सर्विस की जाए, और वो भी कॉस्ट के अंदर शामिल किया, और ये भी शामिल किया कि आप इक्विपमेंट लगने के 1.5-2 साल तक आप इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, ये सारी चीज़ें कीमत का हिस्सा। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट अप्रेजल, कि आप ऐसी चीज़ ऐसी, मैंने कई मनसूबे देखे हैं टेक्निकल ट्रेनिंग या टेप्टा शेप्टा में इधर उधर, जिसमें एड के अंदर जापान जर्मनी से बड़ी एडवांस मशीनें टेक्नीशियन को ट्रेन करने के लिए आई हुई और डब्बों के अंदर बंद गल सड़ गई, किसी में हिम्मत नहीं खोल के उनको लगा के चला दे, और हमने ले लिए एड में, मदद में ले लिए। तो लिहाजा यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किसी PC1 में ऐसी चीज़ तो नहीं डाल रहे जिसको मेंटेन करना, चलाना, मैनेज करने की मैन पावर ही नहीं है आपके पास। दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट अप्रेजल। और चौथा होता है सोशल एंड एनवायरमेंट, कि आपको ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे जिससे सोसाइटी और एनवायरमेंट की डिटेरेशन आप कर रहे हैं। बाई एनवायरमेंट वाई वी मीन यू शुड नॉट लेट से
जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का दौर है, यू शुड नॉट बी अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत सारे ट्रीज आपको काटने पड़े। यू शुड, या सोशल में आपको ऐसी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लेने चाहिए जिसमें आप सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करें। ये कई साल पहले वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और जापान वगैरह ने ये तय कर लिया था, और वो अब इनकारी हो जाते हैं कि उनको कोई ऐसा मनसूबा पेश करें ना मदद के लिए जिसमें जमीन लेनी हो और जमीन लेने में लोगों को डिस्प्लेस करना हो, वो कहते हैं जी हमने ये काम नहीं करना। जब तक कि आप ये जो लोग जो हैं इनको सेटिस्फाई ना करें और ये खुशी खुशी ये जगह छोड़ के ना चले जाए। क्योंकि चंद साल पहले हुआ ये था कि एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक के मंसूबों से जो लोग डिस्टर्ब होते थे, कोई सड़क बनानी है तो आप लोगों को उड़ा के उसकी वो बैनर्स लेके एनजीओज उनके साथ मिल जाती थी, वो इनके हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुंच के मुजाहरा करते थे। सारी दुनिया में ये हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी सोशल और एनवायरनमेंट को जो डिस्टर्ब करे मनसूबा उसको ना, आप कोशिश करें मनसूबा ऐसा बनाए जो कम से कम डिस्टर्ब करे, और अगर डिस्टर्ब करे तो लोगों को आप उनकी कंपल्शन के तहत नहीं, उनकी रजामंदी के तहत वहां से डिस्प्लेस करें, वहां से लाए। तो दिस इज व्हाट, ये फिजिबिलिटी में ये बहुत क्रूशल चीज है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट को इतने सारे एंगल से देखें, इतने सारे एंगल से वो सक्सेसफुल है उसका अप्रेजल करने। ठीक है, फिर प्रेपरेशन ऑफ रफ कॉस्ट एस्टिमेट्स। आप कॉलेज की मिसाल ले लें, कॉलेज में बिल्डिंग बननी जरूरी होती है, तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट बनाता है। ये C++ से मुराद है कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी इसका हिस्सा होता है, कम्युनिकेशन रोड वाला भी इसका हिस्सा। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है सिविल वर्क्स जिस मंसूबे में शामिल हो उसका एस्टिमेट बिल्डिंग डिपार्टमेंट बना के देता है, और वो एस्टिमेट आप टोटल कॉस्ट में उसको ऐड कर लेते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट शुड बी लेफ्ट टोटली फ्री के जो मर्जी वो बना के दे। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जो महकमा है, महकमा तालीम और महकमा तालीम के ऑफिसर्स जो डिब्यूटेड है उस प्रोजेक्ट पे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को बताएं कि उन्हें कितने कमरे चाहिए, किस डायमेंशन के कमरे चाहिए, और जब वो नक्शे वगैरह तैयार हों तो इन्वॉल्व हो कि ये इसकी हाइट क्या है, उसका इसके यहाँ वेंटिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशन तो नहीं होते कमरे, और गर्म कोई इलाका है तो उसमें वेंटिलेशन का इंतजाम है नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है। आपकी नीड उसमें मीट हो रही है नहीं हो रही, वॉशरूम्स हैं कि नहीं है। आप में से बाज प्रिंसिपल्स कहते हैं वॉशरूम ही कोई नहीं, तो मैंने कहा यार जब वो बिल्डिंग वाले बना रहे थे नक्शा तो उस वक्त किसी ने नहीं देखा कि वॉशरूम होने चाहिए, और किधर लोकेटेड होने चाहिए, किस साइज के वॉशरूम होने चाहिए कॉलेज के अंदर। अब आप कहते हैं होनी है, तो ये तभी मैंने तीसरी लाइन में लिखा है कि स्पॉन्सर डिपार्टमेंट मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट to spell out clearly to CNW, building department, what is required and remain involved to ensure its needs are met. aur unke sath involved rahe naksha banne aur construction mein bhi. involvement se ye murad nahi ki wo thekedar se direct dealing ko should know, so they should make sure ki jo unhone kaha hai wo cheez ban gayi hai. theek hai, baki wo supervision unka kaam hai, building department wala, thekedar se unki dealing unka kaam, aur uske construction ke paise unko direct release hote hain subai hukumat se, PNDC और फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और उसका हिसाब किताब भी वो और ऑडिट भी वो करवाते हैं। देखें बिल्डिंग का ऑडिट आपसे नहीं को करना है, तो वो नहीं पा, और ठेकेदार से भी वही डील करते हैं, और वही ठेक वो जानते हैं, उनके अपने रूल्स हैं कि हाउ टू डील विद द कॉन्ट्रैक्टर, किस तरह बिल्स की पेमेंट होनी है क्या। तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपके PC1 की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये गालबन मेरी शायद आखिरी स्लाइड होगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको मैं सवाल जवाब भी करने दूं, जुमा भी है। ये बहुत क्रूशल है कि यू शुड रिमेन एंगेज्ड विद CNW डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन फेज, कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आप उनके साथ इन्वॉल्व रहें। इन्वॉल्व से मुराद है नज़र रखें कि जो नक्शा अप्रूव हुआ हुआ है वही बन रहा है कि नहीं बन रहा, कुछ और तो नहीं बना के दे रहे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना, और बिल्कुल आप एब्सेंट ना हो जाए उधर से, मुदाखलत नहीं करें, आप सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन जहां कहीं नक्शा, क्योंकि वो नक्शा पार्ट ऑफ PC1 बन जाता है, उसकी डायमेंशंस के मुताबिक अगर नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्टर और SDO SCM काम, तो आप यू कैन रेज अलार्म, यू कैन रेज ऑब्जेक्शन कि ये आप क्या कर रहे हैं, नक्शे में तो ये अप्रूव्ड है। और
और इसलिए भी आपको इन्वॉल्व रहना जरूरी है कि जब बिल्डिंग तकरीबन कंप्लीट हो जाए तो आपने इक्विपमेंट फर्नीचर अरेंज करना है, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, उसके पैसे भी आपको रिलीज होते हैं वो पेपरा के मुताबिक आप, ताकि ये ना हो कि बिल्डिंग बन जाए और वो बिल्डिंग वाले और कॉन्ट्रैक्टर कहे जी आप बिल्डिंग अब लेके इस्तेमाल करें तो आप उसके साल बाद आप उसको इस्तेमाल ही ना करें, तो नई बिल्डिंग को आबाद नहीं करेंगे आप, वो खंडर बनना शुरू हो जाती है फौरन ही। यू हैव टू, सो यू हैव टू अरेंज फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, जो भी चीज़ें हैं इन टाइम, तो वो 80-90% जब बिल्डिंग बन गई हो तो आपको वो प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए ताकि वो बिल्डिंग जो ही कम्प्लीट हो। हमारे हॉस्पिटल में बहुत होता रहा ये जिना हॉस्पिटल चाइनीज इक्विपमेंट यहाँ आना था तो वो चाइनीज के साथ जो हमारा एग्रीमेंट था उसके मुताबिक वो एक्सपर्ट्स अपना इक्विपमेंट लेके आ गए, सीटी स्कैन भी था उसमें, एक्सरे मशीनें फलानी ये वो आके बड़े परेशान हुए क्योंकि बिल्डिंग अभी मुकम्मल ही नहीं थी। तो कई दफ़ा होता है कि आप पहले ले लेते हैं चीज़ें फिर भी खराबी है, कई दफ़ा होता है कि बिल्डिंग बन जाती है और फिर आप शुरू करते बट दिस हैज़ टू बी हार्मोनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि वो बिल्डिंग वालों ने बनानी है, इक्विपमेंट आपने लेना है, इसलिए ये बामी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और फिर जब ये सारा कुछ हो जाए तो कॉम्प्लीशन रिपोर्ट PC4 जो मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में वो लेके अप्रूव कराएं, क्योंकि उसको अप्रूव किए बगैर आप स्टाफ की पोस्टें और बजट अप्रूव नहीं करा सके, और वो अप्रूव नहीं होगा तो इक्विपमेंट भी आ जाए, बिल्डिंग भी बन जाए तो काम शुरू नहीं होगा, काम शुरू नहीं होगा तो जो बेनिफिट है उस प्रोजेक्ट का वो आप कर नहीं सके। This was my last slide. I am open to thank you. Yes. Now you can put questions to me. Come as come 20-25 minutes. I am available. And thank you very much for your silence. अब आप अपने हाथ खड़े करें और सवाल करते जाएं, मैं अपनी कोशिश के मुताबिक आपके जवाब दूंगा। जी, ये रजाक साहब है कोई और कमर साहिबा, इनमें से कोई कर लें पहले सवाल। उसने माइक अनम्यूट करके से पूछ लिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताएं अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, डॉक्टर असमत इलाही अर्ज कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान से। जी डॉक्टर असमत साहब फरमाएं। सर आपने फिजिबिलिटी के हवाले से बात की है, माशाल्लाह लेक्चर आपका बहुत अच्छा था। इसमें बाज़ दफ़ा जो फिजिबिलिटी है वो हम शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं तो वो इतना शायद प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होता, लेकिन जब लॉन्ग टर्म हम देखते हैं वो प्रोजेक्ट क्वाइट फिजिबल है। जैसे कॉलेजेस बन रहे हैं आप नए, तो ये इस वक्त तो जब बन रहा होता है कॉलेज उस वक्त तो वो जो मेन सिटी है उससे 1-2 किलोमीटर मतलब उसका डिस्टेंस है, तो उस वक्त लगता है कि ये प्रोजेक्ट इतना फिजिबल नहीं है, लेकिन इन कमिंग टाइम हम देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो क्वाइट फिजिबल होता है। जी, तो ये फिजिबिलिटी जो है इस हवाले से भी हम इसको देख सकते हैं। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट किसी भी वे से किसी इंस्टीट्यूशन से कोई लैंड अक्वायर कर सकती है डिफाई आमा के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज के साथ इशू आ रहा है कि वहाँ कॉलोनी के लोग जो हैं वो कॉलेज के अंदर से एक रोड को पास करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से क्या रूल है काइंडली फंड ऑफ थैंक्स। हाँ बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों। देखें पहला सवाल तो मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, फिजिबिलिटी कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए और सिर्फ 1-2 साल का होराइजन उसके सामने नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए 5-10-15 साल तक कि जी 10-15 साल तक यहाँ कितनी आबादी हो जाएगी, स्टूडेंट्स की क्या ग्रोथ हो जाएगी और हमारे पास कोई उसके साथ इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि हम बाद में फ्यूचर में कॉलेज की एक्सपेंशन कर सके। सो आई एग्री विद योर ऑब्जर्वेशन, और फिजिबिलिटी देखने के लिए शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म से मुराद 1-2 साल है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म परस्पेक्टिव होना चाहिए, 5-10 साल का जेन में रखना चाहिए। दूसरा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया, यस मुफाद आमा के लिए हुकूमत अगर चाहे तो वो अपने ही किसी इदारे से ज़मीन ले सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज के अंदर से वो अब एक रोड निकालना चाहती है तो निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए महकमा तालीम से उसको इजाज़त देनी पड़ेगी, तो लिहाजा हुकूमत जो है वो महकमा तालीम से इजाज़त ले ले। बहुत बड़ी मिसाल अगर आप लाहौर आते रहते मैं आपको देता हूँ, ये शौकत अली रोड एक बड़ी फेमस है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़मीन के अंदर से निकाली गई है
और वो वहाँ वो वैदत रोड को मिला दी गई है जहाँ से आप लेफ्ट हो तो मंसूरा और मुश्तबा टाउन आ जाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दे दी, वो लैंड देनी पड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो नहर से आगे, अदरवाइज वो भीकेवाल एक मोड़ है शेख जैद हॉस्पिटल साइड पे, तो भीकेवाल मोड़ पे सारी ट्रैफिक हर वक्त फंसी रहती थी। तो वो शौकत अली रोड के उस एक्सपेंशन की वजह से वो बड़ी हद तक ट्रैफिक का मसला हल हो गया, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी को अपनी लैंड देनी पड़ी है जो उसने पुराने वक्तों में खरीदी हुई थी। और आपको पता है अगर आप लाहौर आए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बेशुमार जमीन है, अच्छे वक्तों में उन्होंने खरीदी हुई है वो सारी, जब वो लाहौर शहर से बिल्कुल बाहर थी और सस्ती मिल रही थी। तो बिल्कुल मफादी आमा में, लेकिन उसमें उस महकमे की अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होनी चाहिए और अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है जी, जी कमर हफीज बात कर रहा हूँ सर। सर कुछ चीज़ें जो आपने अभी लाहौर के हवाले से बात की, मैं भी तकरीबन 20-25 साल से लाहौर में यही पढ़ा है, यहीं पर आजकल जॉब कर रहा हूँ। जी जी, तो उस हवाले से पहली बात तो मैं आपकी इंडोर्स करूँगा ये जो प्लानिंग की है हम लोगों ने परवेज़ी लाही साहब के दौर में, ये बिल्कुल डिफरेंट प्लानिंग की है। दोनों अंडरग्राउंड थी मेट्रो जो थी हमारी। जी 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 जी, तो वो एक फैंटास्टिक फैंटास्टिक किस्म का मंसूबा था, लेकिन क्या बात है कि हम मॉरली बाद में आने वाले लोग ऑफिसर या जो भी कंसर्न है वो मॉरली इस लेवल पे नहीं होते कि वो उस चीज को अपोज कर सके। जी जी, भाई ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। जी जी, और दूसरी चीज जो मैं ये जो सियालकोट मोटरवे बनाया है हमने, आम सा स्टूडेंट मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन मैंने उस पर सफर किया है लाहौर से सियालकोट तक। जी डी रोड से जाए अभी रोड खराब है, और सियालकोट तक मोटरवे से जाने में और यहाँ से जाने में 20 मिनट का फर्क है, और ये वो मोटरवे हैं जो कि सर्दियों में नाकाबिल इस्तेमाल होते हैं। जी टी रोड अगर हम प्लानर जो हमारे इस तरह के रोड को जो कनेक्टिंग है असल में जो हर वक्त खुले रहते हैं सर्दी गर्मी हर अलाम, अगर प्लानिंग के अंदर हम इन चीज़ों को शामिल करें कि भाई इस तरह की प्लानिंग करें, तो कल को हमने लीज पे दे देना है उसको भी, जिस तरह हमने M2 लीज पे दिया हुआ कोई नहीं हुआ, तो इस तरह क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं जिनमें ऑफिसर्स हैं टेक्नोक्रेट्स हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग अखलाकी तौर पे इस लेवल पे नहीं होते कि भाई ये जो है ना वो कर सकें जी हुक्मरानों की मुखालफत कर सकें कि भाई ये काम करें ये मत करें, तो काइंडली थोड़ा आप प्लानिंग दे प्लीज अपना बंद कर दें, आप सवाल कर लिया है तो ये दूसरों को भी मौका दे दें। आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपको मैं उसमें शामिल रहा हूँ, वो जो अंडरग्राउंड का मंसूबा था मोटरवे सियालकोट वाली मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे ये पता है जिस वक्त ये प्लान हो रही थी उस वक्त मंसूबा साजों के जेहन में ये था सियालकोट वाला, कि आपको पता है सियालकोट के लोग इतने एंटरप्राइजिंग हैं बिकॉज उधर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा, उन्होंने अपने खर्चे से संबड़ियाल में सियालकोट के करीब एयरपोर्ट भी बना दी, और वो हुकूमत पाकिस्तान से मच लेस एक्सपेंस पे बनाई है, और वहां से डायरेक्ट सामान लेके स्पोर्ट्स गुड्स सर्जिकल गुड्स चीजें लेके जाती हैं, पूरे वर्ल्ड कप के जो फुटबॉल है सारे सियालकोट में बनते हैं शायद आपको पता हो। तो लिहाजा उस वक्त ये जो रोड बनाने का मनसूबा उस वक्त जेहन में 2-3 चीजें थी, और जो आपसे पहले सवाल वाले ने बात की ना कि आप शॉर्ट टर्म नहीं सोचते लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक तो सियालकोट और सियालकोट के इर्द गिर्द टेक्निकल इंडस्ट्री बहुत है, तो यहाँ इस सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर 2-3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी बननी है, ये मैं आपको बता दूं फ्यूचर में अगले 10-15 साल में। दूसरा ये है कि सियालकोट के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो बाहर की दुनिया से हर वक्त रابطे में रहते हैं, उनके लिए अगर आप ये मोटरवे की अलाइनमेंट देखें ना तो एयरपोर्ट पहुंचना बहुत आसान है, ये वो 20 मिनट का फर्क होगा, वो एयरपोर्ट तक जाने में शायद 30-40 का फर्क हो जाए, उनके लिए 30-40 मिनट का भी जो टाइम है वो वैल्यूएबल है, उनके लिए टाइम इज मनी, तो ये भी जेन में उनके था। लेकिन वो जो आप पहली बात ये अंडरग्राउंड की और उसकी, यस उसमें हुक्मरानों की चॉइस शामिल होती है, फिर उसमें सिर्फ टेक्निकल लोग कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल लोग अल्टरनेटिव्स बता देते हैं। तो चूंकि हुकूमत चेंज हो गई थी परवेज़ लाही की, मैं उस मंसूबे में शामिल था जो अंडरग्राउंड बननी थी, तो इन्होंने जब इनको बताया गया नई गवर्नमेंट आई शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने कहा नहीं इसमें तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे टाइम भी ज्यादा लगेगा,
लेकिन हकीकत ये है कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ये एक परमानेंट एक जबरदस्त लॉस शहर के लिए चीज बन जाती है। और अंडरग्राउंड सारी अंडरग्राउंड नहीं थी वो, मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि उसने कलमा चौक के पीछे से अंडरग्राउंड होना था और नहर नहर के पास से आके, और उसको बाहर निकलना था उसने फिर दाता दरबार से आगे जरा, और उसके बाद रावी ब्रिज के आगे चला जाना था। और ये भी जो बनी है ऑरेंज, ये उन्होंने मुल्तान रोड से उसने अंडरग्राउंड हो जाना था चुबुर्जी के भी नीचे और माल रोड के नीचे, मैकलोड रोड के नीचे नीचे होके स्टेशन रेलवे स्टेशन से भी तकरीबन पार उसने बाहर निकला था। और ये ठीक है वो 2-3 गुना ज्यादा महंगे मंसूबे थे वो, लेकिन उसके अंदर मेरी मालूमात ये है कि ग्रेट डील ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन कमिंग, और वो उसकी क्वालिटी भी बहुत होनी थी वो, लिहाजा जैसे दिल्ली में बना है अंडरग्राउंड बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छी ट्रेन बनी हुई है। और इंडिया का वो जो रेलवे का एक्सपर्ट है श्रीधरन, जिसने दिल्ली की अंडरग्राउंड बनाई है, वो यहाँ 3-4 ट्रिप्स लगा के गया एंड ही वाज वेरी हैप्पी इन सीइंग कि ये प्लानिंग कैसी हो रही है। उस वक्त हमारे पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब इंडिया से रिलेशनशिप जरा बेहतर थे उस वक्त। तो आपकी ये बातें ठीक है, ऑल्दो मैं सियालकोट लाहौर मोटरवे की हद तक हो सकता है आपसे अग्री ना करूँ फुल्ली, बट दूसरे मैटर में आपसे अग्री। बट मैं आपसे ये सिर्फ अर्ज करता चलूंगा कि ये हुक्मरानों की चॉइसेस होती है और इसमें सिर्फ टेक्निकल लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, आपसे क्वेश्चन ये करना सर कि जो पीसी 1 जिस मुख्तसर बात सर, जी सर, सर पीसी 1 में जो कुछ है वो लिख दिया जाता है, एसएनई लिख दी जाती है या ऑपरेटर से जो चीजें भी लिख दी जाती हैं, क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं? उसकी वजह ये है सर कि हमारे यहाँ मैंने कई जो है वो प्रोजेक्ट्स इस किस्म के डील किए, तो उसमें एक कॉपी पेस्ट पीसी 1 है। मेरा जवाब जी सर, वजह ना बताएं, आप वजह बताने के बजाय पहले मेरा जवाब सुन ले। बिल्कुल पीसी 1 चेंज हो सकता है, पीसी 1 चेंज हो सकता है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन भी हो तो चेंज हो सकता है, उसको रिविजन कहते हैं। पीसी 1 कैन बी रिवाइज्ड एट एनी टाइम। सर इसकी अथॉरिटी कौन होगा सर? वही अथॉरिटी जिसने पीसी 1 अप्रूव किया वही उसको रिवाइज कर देती है, और रिवाइज कराने के लिए वही महकमा तालीम लेके जाता है कि जी मैं इस वजह से इसकी रिविजन चाहता हूँ, मैं इसमें ये थोड़े बहुत चेंजेस चाहता हूँ, और वही अथॉरिटी के पास पेश होता है जिसने पहले अप्रूव वो कर देती है उसे। आपने बताया कि वो प्रिपरेशन ऑफ रफ कॉस्ट एस्टीमेट जो है ना बाय सीएनडब्ल्यू, तो इसमें एक आपने यूज किया स्पॉन्सर डिपार्टमेंट के हवाले से ना, ये काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे इसमें मुझे। स्पॉन्सर से मुराद होती है ओनर, तो कोई भी मसलन हस्पताल का अगर मंसूबा है तो उसका ओनर हेल्थ डिपार्टमेंट है, कॉलेज का है तो महकमा तालीम है, तो स्पॉन्सर डिपार्टमेंट वो होता है जिसका मंसूबा है, जो ये मंसूबा पीसी 1 बना के लाता है अप्रूविंग अथॉरिटी उसको स्पॉन्सर करता है। तो लिहाजा सीएनडब्ल्यू तो है एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग का, उसका स्पॉन्सर होगा अगर कॉलेज का मंसूबा है वो हायर एजुकेशन का। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ना स्टार्ट में बताया आपका आपका नाम जी, नाम जी, मेरा नाम डॉक्टर अलादत्ता है, गवर्नमेंट कॉलेज काउंसिल से मैं हूं सर। सर आपने बताया था कि जी शुरू शुरू में हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो उससे भी खतरा था, तो आज़ादी के वक्त, तो क्या आप भी आप महसूस करते हैं, क्योंकि हम तो शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, तो आप क्या अब उस वक्त और आप में क्या आप फर्क महसूस करते हैं या उसी तरह से आप भी हमें इनसे खतरा है? देखें मैं एक एक दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि सर्वे वाली बात जो की आपने, हमारी अक्सर जो मंसूबे हैं वो बंद कमर में प्लानिंग होती है, प्रैक्टिकली कोई नहीं मतलब सर्वे कोई नहीं करता, ठीक है वो कमरे में बैठे आइडिया आया चलो उसके मुताबिक वो फिजिबिलिटी तैयार हो जाती है, तो इस हवाले से भी सर। और तीसरा ये कि सी प्लस डब्ल्यू वाले आपने एक टर्म यूज की थी, काइंडली जरा उसका बताइएगा, तो मैं जरा उसको सबसे पहले आप सुन लें। सी प्लस डब्ल्यू, सी प्लस डब्ल्यू मीन कम्युनिकेशन प्लस वर्क्स, इससे मुराद है कम्युनिकेशन से मुराद वो है सड़कें बनाने पुल बनाने वाला महकमा, और वर्क से मुराद है बिल्डिंग्स बनाने वाला, तो आपके कॉलेज बनाता है वो बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, वो भी इसे सी प्लस डब्ल्यू महकमे का हिस्सा होता है। दूसरा सवाल आपने कहा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हमारी दोस्त हुकूमत बहुत कम रही है पिछले 70-72 साल में,
और ये पिछली हुकूमत भी जो 15-20 साल से थी, ये हर वक्त ये इसकी सारी फौज, ये फौज जो उड़ाई गई उड़ी है अब, ये सारी इंडिया ने ट्रेन की है फौज, और इनके तमाम ऑफिसर ये अफगान नेशनल आर्मी जिसे अमेरिकन कहते थे, इंडिया के ट्रेन थे। और ये अशरफ गनी रोज बयान आपको देता रहता था पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पता है ये सारी चीजें, तो वो हमारा प्रॉब्लम है उनके साथ। ठीक है, हमारे दोस्त हैं, मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो, और पश्तून है, 40-50% पश्तून आबादी है हमारे यहाँ भी पश्तून, तो इसलिए वो एक ये मूवमेंट भी चलती रही है जैसे आप पश्तून तलस्तान अभी भी एक चल रही है पश्तीन तहफ़ मूवमेंट, उसके पीछे भी मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक इंडिया और बड़े गद्दार किस्म के लोग हैं ताकि पाकिस्तान को वो तोड़े। बहुत फोर्सेस लगी हुई हैं 47 से आज तक कि पाकिस्तान को तोड़े और पाकिस्तान को तहलील करें, नुकसान पहुंचाए, और पाकिस्तान को एक दफा तोड़ा जा चुका है। तो ये मेरा एक जवाब है इसका। तीसरा आपका सवाल क्या था? ये दो सवाल तो सर्वे वाला, सर सर्वे जो है ना वो हमारे तो होते ही नहीं। सर्वे सर जी, आप ठीक कहते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स कमरों में बैठ के होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो प्लानिंग सिस्टम बना के गए हुए हैं हमारे बुजुर्ग, इट डिमांड्स कि अगर आप सर्वे जरूर करें, या सर्वे आपने कोई पैसे खर्च के नहीं करना तो ऐसे लोगों की मदद से मनसूबा बनाए जिनको नॉलेज है। मसलन आप किसी जगह कॉलेज बनाना चाहते हैं तो उस इलाके के लोगों से मशवरा किए बगैर तो आप नहीं। यहाँ लाहौर में बैठ के कुछ लोग जिनको पता ही नहीं है उस जगह का, उनको नहीं बनाना चाहिए। तो लिहाजा दैट इज वाई उन्होंने ये प्रोविजन रखी हुई है कि यार आप पहले पीसी वन बनाने से पहले 10-15-20 लाख रुपए का पीसी टू बना के पैसे ले लें हमसे, वो कंसल्टेंट को दे के सर्वे करा लें, खुद सर्वे कर लें, उस सर्वे पे पैसे खर्च दें, सर्वेयर को पैसे दे दें। तो अपना जो मंसूबा है इट शुड प्लीज बेस इट ऑन अ सर्वे, बेस इट ऑन नॉलेज, नॉलेज की बेस पे आप बाकी जो टेक्निकल मंसूबे हैं उसके, वो तो सर्वे के बगैर होते ही नहीं। मैं आप ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन का हमारे एक साथी बता रहे थे, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, उसमें 1 अरब रुपया तो उसकी सिर्फ फिजिबिलिटी पे लग गया था। उसकी वजह यह कि इंजीनियरिंग सर्वे तक किए गए, जहां जहां अंडरग्राउंड जाना था वहां हर चंद गज के बाद बोरिंग करके जमीन में 30 फुट नीचे जाया जाता था और देखा जाता था नीचे क्या है। ये तो नहीं है कि नीचे कुछ चट्टाने हैं जिनको हम बोरिंग ही ना कर सके, अंडरग्राउंड ट्रेन बना ही ना सके, नीचे है क्या। तो ये यहाँ तक टेक्निकल उसमें डैम बनाना हो या कुछ हो, वो तो सर्वे के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन आपका कॉलेज कुलेज भी बनाना हो, आपके पिछले एक लेक्चर में बड़ी इंटरेस्टिंग किसी ने सवाल किया था कि जी मैं नाम नहीं लेता लेकिन सरगोधा की जगह पर, कि सरगोधा में एक कॉलेज पहले बना था उसके करीब एक और कॉलेज बना दिया गया, और वो कॉलेज ऐसी जगह पर बनाया गया जहाँ जरूरत नहीं थी, सियासी डिमांड पर बना दिया गया, और वो ऐसी जगह पर बनाया गया कि वहाँ सरगोधा एयरबेस से जो जहाज उठते हैं वो हर 4-5 मिनट बाद एक जहाज शोर मचाता कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर से जाता है, और जो पढ़ाने वाला लेक्चरर प्रोफेसर है उसको अपना लेक्चर होता। तो ये भी आपके किसी एक साथी ने बहुत इंटरेस्टिंग, तो इस तरह के मंसूबे नहीं बनाने चाहिए जो फिजिबल नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कमरों में बैठ के भी पोलिटिकल बुनियादों पर पास फैसले करके बना दिए जाते हैं और वो फिर खराब साबित होते हैं। ठीक है जी, ये उठा ले जी, आखिरी सवाल कर लें क्योंकि आज फ्राइडे है, तो आई वुड लाइक टू एक आखिरी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, सईद बात कर रहा हूं सर, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से। जी सईद सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सारे पीसी 1 पीसी 2 5 तक हैं, इनकी अप्रूवल और एक्सेप्टेंस जो है उसकी एक ही अथॉरिटी है या डिफरेंट लेवल्स पे? सुन ले मेरा जवाब सुन ले। गुड अच्छा, देखें ये जो पीसी 1 और पीसी 2 की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है उस अथॉरिटी से जिसके पास पावर होती है प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की, और वो अगर 40 करोड़ तक का मंसूबा है तो वो तो अस्सलाम वालेकुम डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है जिसका हेड आपका अपना सेक्रेटरी होता है। 40 करोड़ से ज्यादा का मंसूबा हो तो वो उसकी अथॉरिटी प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है जिसका हेड चेयरमैन केडी होता है, और जो पीसी 4 होता है वो एक सेक्रेटरी प्लानिंग, बाकी तो मॉनिटरिंग रिपोर्ट और इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती पीसी 3 और पीसी 5 की। तो ये अप्रूवल प्रोसेस। जी जी सर, मैं इजाज़ अनवर बोल रहा हूं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज पसरूर से। जी जी फरमाएं इजाज़ साहब। सवाल जी। हेलो जी, हेलो
सर सवाल ये है कि हमारी बिल्डिंग बीएस प्रोग्राम के लिए मल्टी स्टोर, लेकिन अभी अगला मरहला ये है कि स्टाफ नहीं है, हम बीएस प्रोग्राम कैसे हो, सवाल ऐसे पूछ रहे हैं सर, स्टाफ का कैसे करें, ऐसे नहीं है प्रोसेस। स्टाफ तो देखें, जब आपकी बिल्डिंग तैयार है सब है तो वो तो आपने, अगर वो प्रोजेक्ट के जरिए बिल्डिंग तैयार हुई है तो उसका पीसी फोर अप्रूव करा के उसके पीसी वन में जो एडिशनल स्टाफ आपने मांगा हुआ है वो लेके फाइनेंस के पास अप्रूवल ले, आपका मैं आपको स्टाफ का अप्रूवल लेके दे ताकि आप उस स्टाफ को मैं ट्रांसफर या बाय हायरिंग। जी जी सर, जी जी आई थिंक जी तकरीबन टाइम हो गया है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं, मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे इंटरेक्ट करके, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग। कोई आखिरी? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर। सुहेल साहब, आपकी बात और आपकी सारी इंफॉर्मेशन में हमारी भी बड़ी मालूमात में इजाफा हुआ सर, हर बात के लिए बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट, थैंक यू, हैव योर जुमा ब्रेक एंड प्लीज बी हियर एट 2:30 फॉर द फाइनल फीडबैक एंड वीडियो फीडबैक सेशन फॉर हाफ एन आवर। एट 3 PM वी विल बी फ्री, सो प्लीज बी हियर एट 2:30 फॉर द फाइनल टाइम।